सबसे पहले हमें मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी की जानिब से आप मज़ज़ पैनलिस्ट जितने भी हैं पार्टिसिपेंट्स हैं सबको इस कॉन्फ्रेंस में इस वेबिनार में खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सबका बेहद मशहूर हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज के इस मौजू के हवाले से जो हमने रखा है 22 अक्टूबर 1947 को जो ट्राइबल इन्वेजन हुआ था तो उसके हवाले से जो रखा है, तो उसमें आप सबकी जो एक्सपर्टीज है आपके जो ओपिनियन है आपने जो चीज़ें एक्सपीरियंस है आपका तो वो हम लोगों से शेयर करेंगे। हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि आज हमारे पैनल में वैली श्रीनगर से भी हैं, जम्मू से भी हैं हमारे माजज मुकर्रीन पैनलिस्ट, हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओजेके जिसको कहते हैं, वहां से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ पार्टीज के लीडर्स हैं जो यूके में या डिफरेंट जगहों पे यूरोप में बेस्ड हैं, और आज हम उनकी जो एक्सपर्टीज हैं टॉपिक के हवाले से जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उनकी पार्टी के हवाले से उनकी ऑर्गेनाइजेशन से क्या इस हवाले से उनकी थिंकिंग है किस तरह वो इस एपिसोड को लेते हैं, अगर ये 22 अक्टूबर 1947 ना होता तो आज हम कहाँ पे होते। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन टॉपिक के हवाले से ये मैं कहता हूँ कि 1846 में जब ये स्टेट बनी उससे लेकर 1947 तक समहाउ ये स्टेट एक सस्टेन करती रही, एग्जिस्ट करती रही, और आज जितनी भी पार्टीज हैं जितनी भी ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हिस्टोरिकल स्टेट थी, चाहे उनका ताल्लुक वैली से है, जम्मू से है, लद्दाख से है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज सारे उसी स्टेट को क्लेम करते हैं जो महाराजा ने या उसके फोर फादर्स ने 1846 में वो कही थी। हम उस लंबी डिबेट में नहीं जाएंगे कि उसकी गवर्नर्स कैसी थी क्या था, लेकिन ये 1947 में जब पार्टीशन हुआ सब कंटिनेंट का ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स थे तो उनको ये चॉइस दी गई थी। हालांकि जो कांग्रेस थी वो कह रही थी कि ये राइट लोगों का होना चाहिए कि वो अपने फ्यूचर का फैसला करें कि उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करना है, पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या इंडिपेंडेंट रहना है, लेकिन मुस्लिम लीग इस पे बाजिद थी कि नहीं, जो हेड्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के तो ये अख्तियार उनके पास होना चाहिए। तो ये हमारे जो रूलर थे उस टाइम उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया, एक कायमा मायदा कायमा जिसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ भी सेम एग्रीमेंट के लिए कहा, लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने मजीद नेगोशिएशन करनी है इस पे, तो लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान ने एक मायदा किया फिर विद इन फ्यू वीक्स इसको वायलेट किया, और ट्राइबल ट्रूप्स ट्राइबल जो उनके बैक बाय पाकिस्तान उनके रेगुलर ट्रूप्स को दाखिल करके जो हमारी स्टेट थी उसको फोर्सिबली डिवाइड किया, और सिंस 1947 टिल नाउ हम डिवाइडेड हैं, हम सफरर हैं, और ये खित्ते के जितने भी एरियाज हैं उसमें जो भी जिस रिलीजन जिस एथनिसिटी जिस लैंग्वेज के बोलने वाले लोग थे तो वो समहाउ कहीं ना कहीं वो मुतासर हुए हैं, और यही वो जो ऑपरेशन गुलमर्ग था ऑपरेशन जिब्राल्टर था टोपैक था तो उन्हीं की वजह से पे दर पे हमारी रियासत में जो कम्युनल बीज बोझे बोझ बीजे गए तो उसकी वजह से हमारी रियासत आज 73 साल के बाद भी डिवाइडेड है, तो आज उसका जो स्टेटस था तो उसको भी डिग्रेड किया गया, ये सारे एपिसोड उसके बाद हुए हैं। तो लिहाजा हम आज इन चीज पे रोशनी डालेंगे कि आया ये एपिसोड अगर ना होता 22 अक्टूबर 1947 ना होता तो क्या हमारी रियासत अपना वजूद बरकरार रख पाती, अगर रख पाती तो हमारी नेबर्स के साथ कैसे वो तल्लुकात होते, और जो आज की पोजीशन है तो आया ये वाकया ना होता ये इन्वेजन ना होती तो क्या ये जिस तरह हमारी रियासत की बाइफरकेशन हो रही है ट्राइफरकेशन हो रही है मजीद डिवीजन हो रही है तो आज ये सूरतयाल होती। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आज हमारा पैनल भी खासा लंबा है, तो मैं सबसे पहले अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका मुख्तसर तारफ करवाता हूँ, उसके बाद मैं पैनलिस्ट से वन बाई वन गुजारिश करूंगा कि वो इस टॉपिक पे अपने ख्याल का इजहार करें। आज के पैनलिस्ट में है सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब हैं, वो चेयरमैन हैं यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, सेक्रेटरी जनरल हैं जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल पीपल अलायंस। हमारे साथ हैं मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस JKANC।
फिर हमारे साथ हैं अशोक कुमार शर्मा एडवोकेट साहब, जम्मू से फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया कांग्रेस। ये बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही थी, मैं म्यूट कर रहा हूँ, तो फिर आपको वन बाय वन वो करूंगा, सॉरी। हमारे साथ हैं डॉक्टर मिसफर हसन साहब हैं, फॉर्मर लेबर काउंसलर रहे हैं, प्रेसिडेंट एंड जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन लीग, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोप जोन के। हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्बास भट्ट साहब, चेयरमैन है कश्मीर नेशनल पार्टी के। हमारे साथ अभी ज्वाइन करेंगे महमूद कश्मीरी साहब, वो हैं चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस। फिर डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब, वो हैं आज के पैनल में, वो हैं फॉर्मर लेबर चांसलर रहे हैं, काउंसलर रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट। जुनेद कुरैशी साहब हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज, बेस्ड हैं हॉलैंड में। डॉक्टर आई डी खजूरिया साहब हैं प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर फोरम फॉर पीस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। डॉक्टर मिस्टर शुजा जफर साहब हैं चेयरमैन हैं मुस्लिम फ्रंट, जम्मू मुस्लिम फ्रंट के। तो हमारे लिए एजाज की बात है कि आप सब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, आपके जो मायराना राय है इस टॉपिक के हवाले से उससे हम इस्तेफादा करेंगे। तो मेरी सबसे पहले जो मेरे पैनल में जो स्पीकर हैं, डॉक्टर शबीर चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, वेलकम। अमजद गर्देजी साहब ने ज्वाइन किया, वेलकम जनाब। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब से, चेयरमैन यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, कि आप इस टॉपिक के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज यू हैव द फ्लोर सर, अनम्यूट कीजिए। आप माइक अपना अनम्यूट करें। हाँ सही है, सही है। थैंक यू नासिर अजीज खान साहब। ये हमारी कोई तीसरी चौथी कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे गुफ्तगू करते रहे हैं। तो कबल इसके कि मैं आज के टॉपिक पे बात करूं, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को, बिलखसूस है मोहतरम शर्मा जी को, और मुजफ्फर शाह साहब को, कजोरिया साहब को, और साथ में शुजा साहब को, और शुजा साहब को खसूसी तौर पर मैं वेलकम करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि पहली दफा जो जम्मू मुस्लिम फ्रंट है और शुजा साहब ने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया गलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ, हजारे यकजहती और जो फर्दर डिविजन्स के खिलाफ। तो मेरा खसूसी जो है वो खराजे तहसीन है उन्हें, और मुजफ्फर शाह साहब की कोशिशों को भी मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ। मोहतरम जुनैद कुरैशी साहब हैं या और अब्बास भट्ट साहब हैं, दीगर बहुत सारे डॉक्टर मुजफ्फर साहब मिसफर साहब हैं, गुलाम हुसैन साहब, हम सब वो लोग हैं कि जो बरसा बरस से एक ख्वाब सजाए हुए हैं, और वो ख्वाब है अपने वतन के अंदर पुरामन तरीके से रहने का ख्वाब, हमारे वतन के लोगों के लिए इंसाफ का ख्वाब, अपने अपने कल्चर, अपनी जबान के तहफ्फुज़ का ख्वाब, और सारे लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने का ख्वाब। और मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें तो हुकूमतों पे हैं, लेकिन कुछ बातें तो हम खुद भी कर सकते हैं। मसलन प्यार जो है वो हमें हुकूमतों की तरफ नहीं देखना चाहिए, को हुकूमतें कोई प्यार का दर्स देंगी तो हम प्यार एक दूसरे से प्यार करेंगे, बल्कि ये जो तारीख ने हमें जिस रिश्ते के अंदर जोड़ा है, ये 1846 की उस ट्रीटी जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं, जिसने हमारी बाउंड्रीज तयन की है और आपको और मुझे एक तल्लक में जोड़ा है कि श्रीनगर का आदमी, जम्मू का आदमी, पुंछ का आदमी, और आज डिवाइडेड कश्मीर के अंदर जो है वो हम जो चाहे वो जिला वतन हैं या अपने वतन के तकसीम के इस हिस्से के अंदर रहते हैं,
हम सब लोग एक दूसरे के दुख का एहसास रखते हैं और हम एक दूसरे की दावत पे, एक दूसरे के कहने पे किसी ना किसी जगह इकट्ठे होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये उस 100 साल तारीख का विरसा है कि उस विरसे ने हमें जो शनाख्त दी है उस शनाख्त की बुनियाद पे है हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे के दर्द में शामिल हूं और कोशिश करें कि वो तारीख, जिस तारीख ने हमें एक मुश्तरक रिश्ते में परोया है उसकी हिफाजत कैसे मुमकिन है, उस रियासत की जो वैदत है वो, ये बात हमें समझनी चाहिए कि वी आर नॉट स्पेशल पीपल, हम कोई खास लोग नहीं है कि जो दूसरों के साथ जो है वो प्यार से, मोहब्बत से, अमन के साथ नहीं रह सकते। बुनियादी बात यह है कि हम इंसान हैं और हम इंसानों को हुकूक चाहिए, हम इंसानों को इंसाफ चाहिए, हम इंसानों को जबर के माहौल का खात्मा चाहिए और एक ऐसा माहौल चाहिए कि जिसके अंदर हम अपनी तख्लीकी सलाहियतों को अपने अवाम के लिए जो है वो बरूएकार ला सकें। तो ये चंद एक बातें तमीदन थी। 22 अक्टूबर हमारी तारीख का मेरे नज़दीक एक शात्रीय दिन है। माहिदे का जिक्र कर दिया पाकिस्तान का, ये दो ममलकतें जो जो ब्रिटिश इंडिया तकसीम हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जिसमें इंडिया एक मुल्क बना, दूसरा पाकिस्तान बना। हिंदुस्तान की पहले दिन से ही जो आदर्शें थी या उनके फाउंडिंग फादर्स जो थे उन्होंने ये तय कर लिया था कि इंडिया विल बी सेकुलर, और बहुत सारे जो सेकुलर फोर्सेस थी उनकी उम्मीदें और उनकी तवक्कोआत इंडिया से ज्यादा थी एज कम्पेयर टू कम्युनल पाकिस्तान। लेकिन अफकोर्स 1947 से पहले भी हमारी रियासत के अंदर है हमेशा कुछ ना कुछ साजिशें होती रही हैं, कुछ ना कुछ कजिए हमारे पास मौजूद हैं जिसकी वजह से हमारी रियासत को हमेशा बाहर से खतरात रहे हैं। लेकिन आपको ये तहसीन उन लोगों को देनी पड़ेगी कि उन्होंने 100 साल तक इस रियासत की वहदत, इस रियासत की तारीख, इस रियासत की बाउंड्रीज का तहफ्फुज़ किया। हाँ, मसला यह है कि 22 अक्टूबर को ये अमूमी लोग जो है वो ट्राइबल इन्वेजन करके तो इसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। इट वॉज नॉट ए ट्राइबल इन्वेजन, ये पाकिस्तान के GHQ में सबसे पहला जो मंसूबा बना और उसमें कुछ ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो भी शामिल थे, तो उसको कहते हैं ऑपरेशन गुलबर्ग। गुलमर्ग जो है वो ट्राइबल चीफ्स ने नहीं बनाया था बल्कि ये पाकिस्तान की स्टेट ने, और इसके अंदर कुछ ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो उस वक्त ऑफ कोर्स मतलब ब्रिटिश जो है वो एक कॉलोनियल पावर थी और उसके अपने इंटरेस्ट थे उस खिते के अंदर, और वो ये चाहते थे कि जो उनके लॉयलिस्ट हैं उन लॉयलिस्टों के पास है जितने भी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो रहना चाहिए। बरतानिया उस वक्त सेकुलर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी से भी खौफजदा था, आल्दो के उसके अपने मुल्क के अंदर जो है ना वो सेकुलर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी थी, लेबर पार्टी हुक्मरान थी, लेकिन लेबर पार्टी की पॉलिसियां टूवर्ड्स जो है वो साउथ एशिया क्या थी, मेरे ख्याल में आप सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे जरूरत नहीं है कि उस पर मैं नजर डालूं। तो 22 अक्टूबर जो है वो एक सियातरीन दिन है। उस दिन हमारे बेशुमार शहरी और औरतें, बच्चे अगवा हुए इररिस्पेक्टिव रिलीजन। कई लोग जो है वो सिर्फ इसको समझते हैं कि जो जो पाकिस्तान की तरफ से फौजकशी हुई तो उस फौजकशी के नतीजे में सिर्फ हिंदू मारे गए या सिख मारे गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मुजफ्फराबाद को लूटा गया, जब मुजफ्फराबाद पे हमला हुआ तो सबसे पहला आदमी जिसने अपने सीने के अंदर गोली खाई वो एक मुसलमान था और उसका नाम था मास्टर अब्दुल अजीज मीर, जिसने ये कहा कि हम हिंदू मुस्लिम सदियों से एक साथ रह रहे हैं, हमारे आपसी इख्तलाफात कोई नहीं है, हम तो एक दूसरे की गमी खुशियों में शरीक होते हैं, हम तो एक दूसरे के गमख्वार हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप क्यों लोगों को मार रहे हैं। और उस आदमी को ना इतने बुरे तरीके से ब्रूटली ही वॉज किल्ड। दूसरा आप ये देखिए कि बारामूला के अंदर भी जो है वो बेशुमार मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जिसमें मकबूल शेरवानी जो है ही वॉज वन ऑफ द बिग नेम जो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से फौज कशी हुई, इस फौज कशी का जो हदफ था वो सिर्फ मजहबी यानी अदर देन मुस्लिम ही नहीं थे बल्कि वो तमाम सेकुलर, वो तमाम रोशन ख्याल भी थे, और जोर जबरदस्ती से रियासत जम्मू कश्मीर पे कब्जा करना था, और इसमें उनको बरतानिया की बैक भी हासिल थी, लाइक जॉर्ज कनिंगम जो गवर्नर जो है वो
उस वक्त इसको सुबह सरहद कहते थे, जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है, तो उसने फिर प्राइवेट मलेशिया को भी मैनेज करने में इनकी मदद की। तो हमारी रियासत पे एक हमला हुआ और उस हमले के नतीजे में हमारा हमारा वतन तकसीम हुआ। और उसमें चूंकि महाराजा की जो इंटेंशन थी, वो आप सब लोग जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद और खुद मुख्तार रखना चाहते थे, और वो ये कहते थे कि अगर ज़रूरी हुआ हिंदुस्तान के साथ मिलना या पाकिस्तान के साथ, तो हम अपनी डेमोग्राफी की जो जो कंपोजिशन है उसको पेश नज़र रख के नेगोशिएशंस करके एक दूसरे को एतमाद में लेके कोई रियासत की फ्यूचर का अगर हमने फैसला अगर हमारे हमारे अवाम के यानी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले अवाम के अगर मफाद में पाकिस्तान के साथ मिलना हुआ या हिंदुस्तान के साथ मिलना हुआ, तो उसके लिए हम जम्मू वालों को भी एतमाद में लेंगे, लद्दाख वालों को भी, गलगित वालों को भी, पूंछ वालों को भी, तमाम यानी इररिस्पेक्टिव किसका मजहब क्या है, हम सब लोग एक नेगोशिएशन करेंगे, एक मुकालमा करेंगे। और ये आर्गूमेंट उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से किया, जिस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो महाराजा को प्रेशराइज कर रहे थे कि आपको बाय ऑल मींस जो है वो फैसला करना है, या तो आप हिंदुस्तान के साथ शामिल हो या आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो। तो उसमें उन्होंने जो आर्गूमेंट जो सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया की है, उसमें ये सारी चीजें मौजूद है, और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये चीजें मौजूद है कि महाराजा ने सबसे पहले जो यही आर्गू रखा कि हमारी रियासत की जो डेमोग्राफी की जो डेमोग्राफी है उसकी जो कंपोजिशन है वो हमें कंपेल कर रही है कि हम अभी फौरी तौर पर कोई फैसला ना करें, इस तरह यहाँ एक खूनो कुछ तो खून होगा और हमें हमें सब लोगों को एतमाद में लेना है, उसके लिए हमें टाइम चाहिए, और अभी हमारी रियासत की जो जूं की तू हालत है इसको बरकरार रहने दिया जाए, हम पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, समाजी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करके, मजहबी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करके अल्टीमेटली किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, और जब जिस नतीजे पे पहुंचेंगे तो देन हम इंडिया की लीडरशिप के साथ या पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ जो है वो नेगोशिएट करके अपना डिसीजन कर देंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतें इस बात पे मुत्तफिक थी कि ये रियासतों के जो लीगल हेड्स है जो रिकग्नाइज बाई ब्रिटिश है वो रियासतों के मुस्तकबल का फैसला करने पे कादर होंगे। तो मैं तमीदन यही कहूंगा कि ये दिन हमारे लिए स्याह दिन है, और आज जितने भी हमारी मिजरीज हैं, आज जो हमारे हम जो शिनाख्त के बहरान का शिकार हैं, वहदत के बहरान का शिकार है, रियासत अपने वजूद के बहरान का शिकार है, इस इन सारे बहरानों के पीछे अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का वो अटेम्प्ट है जो इन्होंने हम पे हमला करके, तो हमें एक मुश्किल और नतीजा ये है कि फिर हुकूमतों को हमें मैनेज करने के मौके मिल गए। अब कोई किसी की आवाज़ कुछ है, किसी की कुछ है, और हुकूमतों के लिए चंद एक लोग मैनेज करना और उनको उनके उनसे अपने हक में नारे लगवाना ये बहुत आसान है, लेकिन तारीख के साथ खड़ा होना, अपने अवाम के साथ खड़ा होना, अपने अवाम की ख्वाहिशात और उनकी शख्सियतों की तकमील करने के लिए खड़ा होना, ये सिविल सोसाइटी और ये रियल लीडरशिप का जो है वो मैं समझता हूँ कि इम्तहान होता है कि वो इन बहरानों में किस तरह आपसी इतिहाद पैदा करते हैं, और उन तमाम लोगों को, चूंकि तारीख में हम कश्मीरियों के पास सच बोलने के अलावा और कोई अब ऑप्शन बचा नहीं है, और जब तक के हम इस बात पे कन्विंस न हों कि पाकिस्तान ने जो इलीगली जो ऑक्यूपाइड एरियाज किए हैं ये लिबरेट नहीं होते, यहाँ के लोगों को जो है वो हक नहीं मिलता, हमारी रियासत की वहदत की बहाल नहीं होती, जब वहदत बहाल होगी तो देन वी विल डिसाइड कि हमने क्या करना है, हमने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को रेटिफाई करना है, हमने इंडिपेंडेंस को ऑप्शन को ऑप्ट करना है, लेकिन सबसे पहले हमारी रियासत पे जिनकी कोई लोको स्टैंड आई नहीं है, इन माय व्यू दे शुड मतलब विकेट ओवर टेरिटरी। ये मेरे जो है वो इब्तदाई रिमार्क्स है, बाद में क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं लेना चाहता हूँ कि किसी दोस्त बोर हो जाए, तो थैंक यू वेरी मच मुझे पहला मौका देने का, तो मैं एक दफा फिर आप सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं शुजा साहब को स्पेशली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने हमारे दुख का इजहार महसूस किया और उसके लिए वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि श्रीनगर में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए, किश्तवाड़ में भी होने चाहिए और दीगर इलाकों के भी अंदर होना चाहिए, और वो लोग जो पाकिस्तान से किसी खैर की तवक्को रखते हैं उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि थ्री थ्री टाइम्स इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिलावतनी में बैठा हुआ
वो पूछ रहा है कि हमारे लोगों को इंसाफ क्यों नहीं है, तो अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान उनके लिए कोई मदद करेगा तो उनको पाकिस्तान के हालात का भी थोड़ा सा मुताला करना चाहिए कि जहां जमहूरियत का कोदा बहुत कमज़ोर है, सिविल सोसाइटी कमज़ोर है, जहां हजारों लोग जो है वो मिसिंग हैं, बलोच जो है और कई कौमों के नुमाइंदे जो है वो पाकिस्तान के स्टेट स्ट्रक्चर से मायूस होके वो बंदूक उठा के पहाड़ों पर चले गए हैं। मैं बंदूक की हमायत कभी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तारीखी कौमों को उनका हक खुद इरादियत मिलना चाहिए, उनको उनका हक आज़ादी मिलना चाहिए, और खास करके उन पर किसी किस्म की ऐसी कोई माहौल नहीं क्रिएट करना चाहिए जिससे कि वो खौफ में मुबतला हूं। हमें एक पुरमन माशरा चाहिए जहां हम एक दूसरे के साथ आजादाना तरीके से मुकालमा कर सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है गुलाम हुसैन साहब ने, वेलकम जनाब। साजिद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया हमें बेल्जियम से, जमील मकसूद साहब ने ज्वाइन किया है बेल्जियम से, अमजद गर्देजी साहब ने ज्वाइन किया हमें बाग पीओके से, अमजद यूसुफ साहब ने ज्वाइन किया है यूके से, आसमा परवीन, आसमा मलक हैं कनाडा से, आप सबको वेलकम करते हैं जी इस प्रोग्राम में। तो जिस तरह शौकत अली कश्मीरी साहब ने कहा कि अक्वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान को कंप्लाई करना था यूएन की जो रेजोल्यूशंस थी, और पहले विड्रॉ करना था, और लास्ट 73 ईयर से उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, तो आज तक जो सूरत हाल है उसके बाद पे दर पे उनके दरमियान जंगें भी हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन सफरर जो है ना स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं। तो हमारे यहाँ जो स्कूलों में फैब्रिकेटेड स्टोरीज पढ़ाई गई 1947 के हवाले से कि हिंदुस्तान ने हमारी रियासत पे कब्जा किया, हालांकि 22 अक्टूबर 1947 ना होता तो फिर 22 अक्टूबर 1947 भी ना होता, महाराजा को कंपेल किया गया तो उन्होंने वहां पे जो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन किया। इसी तरह आप देखिए कि सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो ट्राइबल्स हैं, ऑफकोर्स जिस तरह शौकत कश्मीरी साहब ने इस पर रोशनी डाली, ये ग्रेट ब्रिटेन का और पाकिस्तान का प्लान था, तो उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, उसमें ये ट्राइबल्स को भी यूज किया। तो कयूम साहब कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि ये जो ट्राइबल्स थे तो इन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा जिसको सरहद कहते हैं तो वहां पे उन्होंने बहुत लूट मार मचाई हुई थी, तो इनको जो रेगुलर ट्रूप्स थे उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने कहा कि कश्मीर में लूट मार के लिए बहुत कुछ है तो आप वहां चले जाओ हमारे साथ चलो, तो उनको लेके आए, तो उन्होंने फिर लूट मार की। और एयर मार्शल असगर खान जो है तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज में कहा कि हमारे लोग वहां गए, उन्होंने लोगों का कत्लेआम किया, लूट मार की, और वहां पे इंसानियत सोज मुजालम डाय, और ये हिस्ट्री है, इसमें कोई बाइश नहीं हमारा किसी मुल्क के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमारी रियासत को कि वैदत पे हमला किया, डिवाइड किया, तो उनको खटेरे में लाना जरूरी है। तो बहुत शुक्रिया सर। तो मैं इसके बाद जो मेरे नेक्स्ट स्पीकर हैं शुजा जफर साहब हैं, चेयरमैन ऑफ जम्मू मुस्लिम फ्रंट। एक दफा सर जिस तरह शौकत अली कश्मीरी साहब ने आपका शुक्रिया अदा किया, आप लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का कोई राइट नहीं है कि उसको सूबा बनाए, हम आपके बेहद मशकूर हैं, और ये हमारी वॉइस पूरे स्टेट के जो लोग हैं तो इनकी एक होगी तो तभी हम अपने राइट्स ले सकेंगे। तो आपके पास फ्लोर है सर, आप अनम्यूट करें अपना माइक। शुजा जफर साहब प्लीज अनम्यूट करें अपना माइक। जफर साहब, शुजा जफर साहब प्लीज अनम्यूट कीजिएगा माइक, मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मेरे ख्याल से वहां पे कोई इशू आ रहा है आपका। चले फिर मैं आपके पास आता हूँ थोड़ी। जफर साहब माइक प्लीज, आप ठीक है? सही है, अब ठीक हुआ जी जी। तमाम पार्टिसिपेंट को का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सलाम अर्ज करता हूँ। ये जो हमने प्रोटेस्ट किया था गिलगित बल्तिस्तान के लिए, ये तब हमने किया जब तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम वो लोग जो इसके पार्टीज हैं वो सारी चुप रही, तो हमने ये प्रोटेस्ट किया। हमने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत पुरजोर प्रोटेस्ट किया, इसलिए कि ताकि दुनिया और दुनिया को पता चले कि हम इसके क्लेमेंट हैं। पाकिस्तान ने एक साजिश रची, वो साजिश आज भी चल रही है। पाकिस्तान हमेशा
डिवाइड की पॉलिसी खेलता, हिंदू मुस्लिम खेलता आया। 47 में जब कबाली रेड हुआ तो वो रेगुलर आर्मी भी थी पाकिस्तान की। मैं आपके जमीन में, मैं भी ये सरदार साहब बात कर रहे थे, शौकत अली खान साहब बात कर रहे थे, मैं इनसे बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी भी थी, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग 47 के मौजूद हैं आज भी, जो वो बताते थे कबालियों के साथ पाकिस्तान की आर्मी आई, जो बार बार हमें कहती थी आपको बचाने के लिए, हिंदुओं से बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और उन्होंने लूटमार की, जवान जवान खूबसूरत लड़कियां लेके चले गए। पाकिस्तान ने ये एक सीड, शैतान का सीड जो था, एक बीज बोया उसने, शैतानी का बीज बोया, ताकि हिंदू मुस्लिम का फसाद हमेशा जिंदा रहे। और मैं इस खित्ते पर राज करता रहा। चले, लंबी बात हो जाती है। उसके बाद चाइना की जो एंट्री है वो हमारे लिए बेहद फिक्रमंद है, क्योंकि चाइना की एंट्री होनी नहीं चाहिए थी। पाकिस्तान ने अपना, अपनी खसरत का मुजहरा कर दिया। उन्होंने चाइना को अपने मकासद के लिए इसमें पार्टनरशिप दी, स्पैक बन चुका है, उन्हें खरबों अरबों डॉलर इसमें लगा दिए चाइना ने। तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक और पार्टी खड़ी हो गई। सरदार साहब, हमारी जंग जो है वास स्केल पर चलेगी। लेकिन मैं एक, मैंने कहा, मैं आज सोच रहा था कि मैं आपको क्या सजेशन दूं। हम, हमें गारंटी दी थी यूनाइटेड नेशन ने, गारंटेड थी वो, उन्होंने हमें गारंटी दी थी कि हम रेजोल्यूशन करेंगे, कश्मीर का फैसला हम करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो 70 साल म्यूट स्पेक्टेटर बने रहे, उन्होंने हमारा फैसला नहीं किया। मैं कहूंगा, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि हमें यूनाइटेड नेशन पे एक अपील करनी चाहिए और यूनाइटेड नेशन पे केस करना चाहिए, एक केस करना चाहिए कि उनकी वजह से हमने बहुत सी जानें खोई, इकोनॉमिकली हम वीकर हुए, और हमने अपना जो सिस्टम है सारा खराब हुआ हमारा। तो मेरी एक मतवाना राय रहेगी आप सबसे कि हम यूनाइटेड नेशन पे केस करें और उनसे एक और अपील करें कि चाइना को, पाकिस्तान को, वो रिफ्रेन करें कि वो जो एक्टिविटीज जो कर रहे हैं स्पैक में वो बंद करें, और गिलगित बल्तिस्तान में जो भी मुजालिम जो पाकिस्तान की सरकार कर रही है उन पर रोक लगाई जाए, और यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेज है वहां आके बैठ जाए। ये मेरा मानना है और ये मेरा कहना है। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू शुजा मुजफ्फर साहब। तो आपने बड़ा जो है ना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था मुख्तसर टाइम में दिया। तो जी, नो डाउट के आपने जो वहाँ पे मुजाहरा रखा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, तो उनकी, उनसे ज़ाहिर है उनका हौसला बढ़ा कि हमारे लिए वाइस वैली के जो स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर के उस खिते से भी आ रही है। तो सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब ने अपने जो वो प्रेजेंटेशन थी तो उसमें उन्होंने बाकायदा मेंशन किया, मैंने वो किया था ना ट्राइबल इन्वेजन, उसमें ये तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि पाकिस्तान आर्मी का ये प्लान था, तो किसने ऑर्गेनाइज किया। तो शायद आप उस टाइम ज्वाइन कर रहे थे तो कुछ इशू आ रहा था आपका, तो उसमें उन्होंने पूरा मेंशन किया कि ये उनका प्लान था ग्रेट ब्रिटेन का, पाकिस्तान का। तो बाद में इन्होंने ट्राइबल्स को भी लूटमार के लिए शामिल कर लिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी है, जो मूवेबल है वो आपकी है, इमूवेबल जो है ना हमारी होगी। तो वो बंदरबांट उन्होंने किया कि आप जो ले जा सकते हो ले जाओ, लेकिन जमीर हमारी है। तो वो ये था उनका प्लान। तो इसके बाद मैं जो अपने नेक्स्ट स्पीकर हैं, तो वो अब्बास भट्ट साहब हैं, चेयरमैन कश्मीर नेशनल पार्टी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर कि आप इस टॉपिक के हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें। प्लीज, यू आर द फ्लोर, अनम्यूट कीजिएगा भट्ट साहब। भट्ट साहब माइक अनम्यूट करें आप सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को सलाम और आदाब, जो इसमें हैं, जो नए हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, और सब इसके साथ साथ यूके पीएनपी और ख़ास तौर पर नासिर अजीज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया इस मुश्किल वक़्त में और हमें मौका दिया। बहरहाल, आज का जो टॉपिक है 22 अक्टूबर के हवाले से, पहले दो स्पीकर ने खासी डिटेल बातें हुई हैं। अब सवाल यही पूछा जा रहा था कि 22 अक्टूबर ना होता तो क्या होता। तो मेरे ख्याल में बकौल गालिब, डुबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता, कुछ भी नहीं होना था। मेरे ख्याल में अगर 22 ना होता तो शायद 27 ना होता। बहरहाल, जो कुछ भी हुआ,
उसके नतीजे में बरसगीर के जो दो बड़े मुल्क हैं इस वक्त यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान, वजह तनाजा ही मसला कश्मीर बना है, बना हुआ है और बना रहेगा। बाकी सारे इख्तलाफात और छोटे मोटे इख्तलाफात उन दोनों मुल्कों के दरमियान बाई प्रोडक्ट ऑफ कश्मीर इशू। और मसला कश्मीर को नज तक पहुंचाने में 22 अक्टूबर की वारदात का सबसे बड़ा हाथ है। यह वारदात किसने की, इसका इल्म मेरे ख्याल में तमाम लोगों को है कि कबायलियों ने की। इसमें पाकिस्तान आर्मी को भी बाद लोग शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो पैनल पर बैठे हैं जब ये करेंगे तो उसमें मुझे अगर इस पर रोशनी डाल सकें कि पाकिस्तान को मर्द वजूद में आए उस वक्त 2 महीने तकरीबन हो गए थे, ना तो वो अभी उनका कोई अदारा ऑर्गेनाइज था, ना ही वो कोई रेगुलर फोर्स उनके पास मौजूद थी, यानी उनकी आर्मी भी ऑर्गेनाइज नहीं थी, डिसऑर्गेनाइज थे। आप एक हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइज आर्मी के दरमियान उन्होंने ये कदम कैसे उठाया, क्यों उठाया, किस वजह से उठाया, ये एक एक सवालिया निशान है। लेकिन 22 अक्टूबर के हवाले से जो कुछ हुआ, यानी इतना जुल्म तारीख ने कभी नहीं देखा था जितना जुल्म उस एक हफ्ते में हुआ, यानी 22 से लेके 28-29 तक जो जुल्म हुआ, 23 के बाद चलो ये रिट्रीट करके वापस आना शुरू हो गए थे, वो जुल्म उसमें ना तो कोई मजहब का कार्ड था। ये जो कहते हैं ना बाद लोग ये कहते हैं वो कबायली आए थे हमारी मदद करने, मुसलमानों की मदद करने के लिए, लेकिन ये तारीख गवाह है इस चीज की, लोग विटनेस इस चीज की कर रहे हैं कि जब इन्होंने मुजाबाद में कदम रखा तो बिला इम्तियाज मजहब उन्होंने हर एक जो इज्जत माँ बहन थी हमारी, बेटियां थी हमारी, उनकी इज्जतें लूटी, उनको परेशान किया। इसी तरह जब उनको कत्ल करने के बारे में, इंसानों को इस तरह कत्ल करते थे कोई इंसान मुर्गी को कत्ल नहीं कर, मुर्गी को ज़बह नहीं करता, इस तरीके से उन्होंने कत्ल किए। उसमें उन्होंने कुछ नहीं देखा कि कोई मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। लूट मार के लिए एक वाकया मैंने खुद पढ़ा था, लूट मार के लिए बाज मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि यार ये जो हमारा सामान वगैरह है चलो इसको लूट रहे हैं, मस्जिद में जाके जमा करा देते हैं, मस्जिद में उन्होंने रखा, मस्जिद को ताला लगा दिया कि कम अज कम ये मुसलमान भाई हमारे आए हैं, बड़े पक्के मुसलमान हैं ये कबायली, तो ये कोई ऐसी हरकत नहीं करें कि मस्जिद से चोरी करें। लेकिन जब उस सुबह गए ना मस्जिद का ताला था, ना मस्जिद का दरवाजा वहां पर था और ना वहां का सामान था, ये हालत थी उस वक्त। वो ना तो हमारी मदद करने के लिए आए थे, ना उन्होंने हमारी कोई मदद की। ये एक हमारी बदकिस्मती है असल में कि हम पिछले 72 सालों से इसी एक मसले में उलझे हुए हैं। और ये मसला सिर्फ कश्मीरियों के लिए नहीं है, ये मसला 2.25 अरब इंसानों का मसला है। अगर ये मसला ना होता तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा असले में लगा रहे हैं, असला खरीदने में लगा रहे हैं, वो अपने अवाम के लिए बुनियादी जो जरूरतें हैं उनकी वो पूरी करते, उनको अच्छे कॉलेज अच्छे यूनिवर्सिटियां देते, उनको इलाज मुआवजे के लिए अच्छे अस्पताल देते, लेकिन नहीं। वहां की बदकिस्मती यह है कि दोनों ममालिक में हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान 50% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन पर रह रही है इस वक्त। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मसला कश्मीर है, और मसला कश्मीर को पैदा करने में सबसे बड़ा हाथ 22 अक्टूबर का है। ये एक छोटी मिसाल है, बाकी बातें तो मेरे, मैं तकरीबन ये तीसरा प्रोग्राम है जो कल का कर रहा हूँ इस वक्त, और अभी रात को भी एक प्रोग्राम रखा हुआ, काफी से प्रोग्राम हो रहे हैं, बातें बहुत सी मिक्स अप भी हो रही हैं, वही बातें रिपीट भी की जा रही हैं। लेकिन मेरे चंद 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 सवालात मैंने लिख के यहाँ रखे थे कि मैं ये चूंकि लर्नड पैनल है, एक्सपीरियंस लोग हैं, इन्हें तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, डॉक्टर शबीर चौधरी जैसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं, बेशक उनका वो सेहत ठीक नहीं है, गला थोड़ा खराब है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जवाब जरूर दे देंगे कि असल में इन सवालों का जवाब क्या है। सबसे पहले तो ये होता है, ये तो है कि 22 अक्टूबर जो हमला था कबायलियों ने किया था, मतलब आप से होते हुए 12 मुला तक पहुंचे, फिर वहां से हिंदुस्तानी फौज ने मार भगाया। सवाल यह कि क्या ये हमला उन्होंने माल और सबाब लूटने के लिए किया था क्या, या एक और वर्षन भी इसका, क्या पेशावर की हुकूमत ने पेशावर को इनसे लूट मार से बचाने के लिए इधर डाइवर्ट किया। उस वक्त ये भी तो मशहूर हुआ था कि पेशावर में लूट मार इन कबायलियों ने बहुत ज्यादा शुरू कर दी है, लिहाजा उनको डाइवर्ट किया जाए जम्मू कश्मीर की तरफ ताकि पेशावर के लोग इस लूट मार से बच जाएं, और कश्मीरियों ने मरना है तो मरने दिया जाए उनको।
या एक ये भी वर्षन है कि भाई ये भी लोग कहते हैं चूंकि वो हमारे मुसलमान भाई थे जो मुसलमानी ब्रदरहुड में उन्होंने तय कश्मीरी मुसलमान भाइयों की मदद की, अगर ये जज्बा होता मेरी अपनी सोच के मुताबिक उन्हें सिर्फ मुसलमानों की हमदर्दी होती, मुसलमानों को बचाने के लिए आते तो वो बारामूला से श्रीनगर जाने के बजाय मुजफ्फराबाद का ये राउंड लगाने के भाई उन्होंने जम्मू की तरफ से जाना चाहिए था, क्योंकि जम्मू में मुसलमान माइनॉरिटी में थे, इधर तो मेजॉरिटी में मुसलमान मौजूद था, यहाँ तो मुसलमान ताकतवर था, वो तो मुकाबला कर सकता था या कर रहा था, इधर से जाना चाहिए था जहां मुसलमान माइनॉरिटी में थे और मर भी रहे थे, कुछ हो रहा था, लेकिन ये मजहबी कार्ड था या खेला गया कि नहीं खेला गया ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। या एक वर्ष ये भी है कि पाकिस्तान ने किराए के ये टट्टू खरीदे थे उस वक्त, ये जो थे किराएदार किलर बेसिकली कहा जा सकता है, ये किराएदार किलर थे जिन्हें पाकिस्तान ने खरीदा और उन्हें जम्मू कश्मीर में भेज दिया। उसके खिलाफ सर एक छोटा सा सवाल है मेरा ये भी है कि एक वर्ष ये भी आता है कि ये जो जो ब्रिटिश हैं जो वो हिंदुस्तान से फारग हो रहे थे, ब्रिटिश के वहाँ जहाँ भी देखें कॉलोनी थी जहाँ पर उन्होंने हुकूमतें की, और जब भी वो वहाँ से फारग हुए वहाँ को उनको मसला छोड़ के अपना आए, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब वो हिंदुस्तान पर काबिज थे मुतदा हिंदुस्तान पर, तो उनको इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया था वहाँ से, जो टैक्सों की सूरत में रिसीव करते थे और दूसरी सूरतों में रिसीव करते थे। जब उन्हें वहाँ से वापस आना हुआ, जब उन्हें ये राज खत्म करना पड़ा, वहाँ से उन्हें वापस आना पड़ा, उनका जाहिर है इनकम का जरिया तो खत्म हो रहा था। ये सियानी कौम है, ये 100 साल बाद की भी सोचती है कि 100 साल बाद क्या होगा, लिहाजा अब ये मसला छोड़ आएगा, जो ये मसला है दोनों के लिए छोड़ जाते हैं, तो कम अज कम इस मसले के हल करने के हद तक तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, ये लड़ते रहेंगे तो लंदन के जो कारखाने हैं असला बनाने के वो चलते रहेंगे, एक वर्ष ये भी इसमें आता है, लिहाजा वो ये चंगारी वहां पर छोड़ के आएगा जिसके आधार से लंदन के जो फैक्ट्रियां ना वो चलती रहे, और इस चीज से भी तो कुछ इनकार नहीं किया जा सकता, कोई इसका डेफिनेट हमारे पास नहीं है कि हिंदुस्तान का अपना हाथ भी इसमें हो सकता है, अजी बहुत से वर्षन है इसमें हो सकता है, सबको इख्तलाफात हो इस बातों से, लेकिन हो सकता है, क्योंकि उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा कि 17 जून 1947 को मैं अपने अपने दोस्त डॉक्टर साहब से बिलखसूस इस सवाल का जवाब चाहूंगा या इसका रीजन चाहूंगा कि 17 जून 1947 को नेहरू साहब जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने लॉर्ड माउंटबेटन साहब को खत लिखते हैं, क्योंकि उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का रामचंद्र काक, उसको बर्खास्त किया जाए, जिसको फिर 11 अगस्त 1947 को यानी तकरीबन 2 महीने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। अब क्वेश्चन मार्क ये यहाँ पर आ रहा है मेरी अपनी अकल के मुताबिक कि जनाब नेहरू साहब को क्या मसला था जम्मू कश्मीर में, या उनके क्या हक बनता था उस वक्त उस प्राइम मिनिस्टर को वहां से उठाने का, और उसकी जगह उन्होंने लगा दिया मेहर चंद महाजन साहब को जो दिल्ली के किसी कोर्ट में जज थे, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर के बाद वो चीफ जस्टिस भी बने। ये अगर उनको हिंदुस्तान को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें तो नेहरू साहब का कितना अमल दखल था, हालांकि ये बात अगर किसी ने कहनी भी थी तो महाराजा को कहा जाती, लेकिन महाराजा से नहीं कही गई, यानी इसकी इससे ये साबित होता है कि महाराजा भी बेचारा उसके भी कुछ लिमिटेशंस मौजूद थी उस वक्त जो उससे निकाल गया, हालांकि जो जब इन्हें बर्खास्त किया गया प्रेमचंद्र को तो उस वक्त दस्तखत महाराजा के भी हुए उसको बर्खास्त करने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेहरू साहब ने महाराजा से नहीं कहा बल्कि उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा से कहा और उसको बर्खास्त कर दिया गया। क्या हिंदुस्तान का ये हिस्सा भी नहीं शामिल किया जा सकता है, इसको कैसे रीजन है या कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन है अगर तो प्लीज इसे कहा जाए। मैं इन्हीं बातों पर अपना काम खत्म करूंगा, इसके बाद अगर कोई सवाल जवाब हो तो डेफिनेटली आई विल बी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आपास पार साहब। आखिर में डेफिनेटली हमारा ओपन सेशन होगा क्वेश्चन आंसर्स का, तो उसमें डॉक्टर शबीर चौधरी साहब ने आपसे आपने जो सवाल किए, बाकी हमारे पैनलिस्ट भी जो भी इन सवालात के हवाले से जवाब देना चाहेंगे उन वो भी मोस्ट वेलकम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, अगर उनकी सेहत इजाज़त दे रही है तो फुली वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो भट्ट साहब, जिस तरह आपने कहा कि हिंदुस्तान की आर्मी की मौजूदगी में पाकिस्तान कैसे ये वो कर सकता था, तो हिंदुस्तान की पाकिस्तान ने जो जो ट्राइबल इन्वेजन किया तो ये 19
22 अक्टूबर 1947 को किया, और फिर महाराजा ने जब उसको महाराजा को कंपेल किया गया, उसने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन की, तो उसके बाद एक अग्रीमेंट के बाद इंडियन फोर्सेस कश्मीर में, उससे पहले तो इंडियन आर्मी वहां पे नहीं थी, लेकिन बाकी हमारे दोस्त हैं वो भी इस पे रोशनी डालेंगे, एयर मार्शल असगर खान के इंटरव्यूज हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो उस टाइम जो कमान कर रहे थे उन ट्रूप्स को, उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है कि हमारी वहां पे प्रेजेंस थी, हम उनको लीड कर रहे थे, हमारा ये रोल था। वो तो खैर ओपन सीक्रेट है, और पाकिस्तान में तो फैब्रिकेटेड स्टोरीज ऐसी हैं कि उनकी फुतवात का ऐसा सिलसिला है कि अगर आप वो पढ़ना शुरू कर देते हो अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप सोचते हैं कि तो उसने तो कुछ हासिल ही नहीं किया, इन्होंने तो पूरी दुनिया फतह कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिस्टर जिन्ना हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, उन पे पीएचडी नहीं हो सकती पाकिस्तान में। तो आप ये देखें कि आपने जो फाउंडिंग फादर है उसकी लाइफ के बारे में वो जो हकीकतें हैं, जिस तरह की उनका लाइफ स्टाइल था, तो वो अपने लोगों के सामने नहीं लाना चाहते। तो हम तो उनकी कॉलोनी है, तो वो तो इस तरह की फैब्रिकेटेड स्टोरीज उन्होंने बेशुमार वहां पे वो की हुई है। थैंक यू सर। तो आखिर में जो भी पैनलिस्ट होंगे आपके सवाल के जवाब देना चाहेंगे, या डॉक्टर साहब ने देने हुए तो मोस्ट वेलकम। तो इसके बाद मैं बढ़ूंगा अपने नेक्स्ट स्पीकर की जानिब। तो मैं आईडी खुजूरिया साहब, जो प्रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर फोरम फॉर पीस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। सर यू हैव द फ्लोर प्लीज। थैंक यू। सभी रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज पार्टिसिपेंट्स, ये बहुत ही अच्छा मौका मिला आज कि हम कम से कम आर पार के जम्मू कश्मीर के लोग आपस में बैठे और एक बड़े सीरियस इशू पर बैठे हैं जो वर्ल्ड का फ्लैश पॉइंट है। हम तो इसे मानकर चलते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का ही टकराव का नहीं है, बल्कि आज वर्ल्ड का एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। और हमें डर है इस बात का कि अगर कल को कोई जंग होगी तो शायद इसी कोने पर होगी, और जिसमें हम आगे ही तबाह हैं और तबाह हो जाएंगे। 22 अक्टूबर जो है ये कोई अचानक नहीं हम पर आया। हम जो समझते हैं जो आज जो एविडेंसेस या हकीकतें सुनी जा रही हैं, ये हम समझते हैं कि इसे ब्रिटिश ने ही एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ऑर्गेनाइज किया, और ब्रिटिश नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर का राजा जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, और वो हमारे लिए एक मुसीबत बन सकता है। वो ताजा सेकंड वर्ल्ड वार से निकले थे और मात भी खा चुके थे, और वो समझते थे कि अगर जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट टाइप का कोना रह जाएगा तो कल को वर्ल्ड फोर्सेस इस पर अगर करेंगी तो हमें जो कॉमनवेल्थ में इसको रख रहे हैं इंडिया को और पाकिस्तान को, हमारे लिए एक मुसीबत हो जाएगी कि जैसे किया जाएगा। इसलिए ये सारी साजिशबाजी जो हुई है वो ब्रिटिश की हुई है। और ये बात सही है कि जब पाकिस्तान अभी 2-3 महीने हुआ था बने हुए, 2 महीने ही हुआ था, तो उसका जो कमांडर इन चीफ था मिलिट्री का वो ही था जो इंडिया की कमांडर इन चीफ मिलिट्री का था, वो ही की मिलिट्री कमांडर इन चीफ, हमला करने वाला भी वही और बचाव करने वाला भी वही। ये एक हमारे साथ एक बहुत बुरी घटना हुई है हमारे साथ, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए ये हमें एक मुसीबत में डाला गया कि 22 अक्टूबर को ट्राइबल के नाम पर हमला हुआ, उसके बाद रेगुलर आर्मी आ गई, फिर इंडिया की तरफ से रेगुलर आर्मी भेजी गई और उसका टकराव हुआ, और फिर उसे जूएनओ में ले गए, नेहरू को कहा कि आप जूएनओ में चले जाओ, और जूएनओ में चले गए, और जूएनओ में जाकर हमें ऐसा फंसाया कि आज 73 साल हो गए हैं, हमें कोई फैसला नहीं मिला है। ये हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन ऑफ साहिल थे वो आज भी दर बदर और एक मुसीबत की जिंदगी जी रहे हैं। जहां कश्मीर वैली में अगर हम महसूस कर रहे हैं कि 14 लाख से ज्यादा आर्मी बैठी हुई है और लोग वहां पर किस जगह में जी रहे हैं, और जम्मू रीजन जो जितना भी है कठुआ से हीरानगर से लेकर पुंछ की लास्ट पहाड़ी तक या फिर कुपवाड़ा तक पूरी LOC और IV बॉर्डर रोज सीज फायर वायलेशन होती है। बंकर बनाकर उनको बीच में रखा जाता है
और वो बंकरों बारिश में पानी होता है, पढ़ाई नहीं होती है, नेट नहीं है, इसलिए हम तो एक गुलामी की कॉलोनी की जिंदगी हम जी रहे हैं। इसके लिए हमारा भी एक दोष है। मैं जहां इस पर ज्यादा नहीं करूंगा कि अब वो रेगुलर आर्मी कैसे आई, उन्होंने लूटा जम्मू की गलियों में भी खून बहा गया, लाखों आदमी का खून जो कत्ल हो गए, ये बहुत इंसानी कत्ल हुआ था, वो ये एक ह्यूमैनिटी का कत्ल हुआ था, और उस पर दोनों नेशनों ने आज तक अपनी पार्लियामेंट में कभी अफसोस नहीं जताया कि हमने 47 में इतने कत्ल करवाए कि हमें माफ करना चाहिए या हम उनको सल्यूट कर दें। हम शहीद नहीं हुए वो लोग हमारे जो कत्ल हो गए, इसलिए ये हमारे साथ एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और आज तक हो रहा है। आज दोनों गवर्नमेंटें, दोनों देश और वर्ल्ड की जो जुआनो पंचायत है, वो लंगड़ी सी जो पंचायत है, वो आज हमारा तमाशा देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग कैसे जीते हैं और कैसे मरते हैं। रोज सुना जाता है सफेद जीपें इधर उधर घूमती हैं, यूएनओ ऑब्जर्वर्स की क्या बेइज्जती है वो लिखकर, क्या बेइज्जती है वो ऑब्जर्व कर, कोई पता नहीं चलता कि गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं, सिविलियन मर रहे हैं और फसलें खराब हो रही हैं, रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन यूएनओ के ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं और वो यूएनओ के ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, ये एक मजाक है हमारे साथ। इसलिए जम्मू कश्मीर के जनता पर ये ड्यूटी पड़ती है। आप जैसे आज हम कुछ लोग बैठे हैं, आपका बहुत बहुत ये मैं शुक्रिया समझता हूं और आपका बहुत इनकरेजिंग ये एक कदम है कि हम बैठे हैं और सोच रहे हैं, हमें बैठना पड़ेगा और आज हमें नई थिंकिंग लानी पड़ेगी। जो हमारी 70 साल पहले थिंकिंग थी, उससे आज हम नए जवानों में, नई नस्ल में वो थिंकिंग लानी होगी कि हम क्या है, हमारा हिस्ट्री क्या है और हम क्या है। आज इंसानियत को जो देखना पड़ेगा कि आज इंटरडिपेंडेंसी हो चुकी है, आज वर्ल्ड की टोटल इंटरडिपेंडेंस है, अकेला कोई जी नहीं सकता, ना जम्मू कश्मीर जी सकता है अकेला, ना पाकिस्तान अकेला जी सकता, ना हिंदुस्तान जी सकता है, ना ही सब कॉन्टिनेंट जी सकता है, ना वर्ल्ड सारी जी सकती है। आज पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट हो चुकी है। जब दुनिया इंटरडिपेंडेंट हो चुकी है तो फिर इंडिया पाकिस्तान आपस में क्यों नहीं बैठे, ये क्यों ना अपना मसला हल करें, और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बैठे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं साथ बटाया जाए, ये ट्राइलेटरल बात बनती है। और इंडिया और पाकिस्तान को इस बात पर इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान ने बैठना चाहिए, जम्मू कश्मीर को बैठाना चाहिए और इनकी जो इंटरडिपेंडेंसी है इसमें से एक नई बात कोई निकल सकती है, उसे चाहे पार्टनरशिप समझो, चाहे कोऑपरेशन समझो, चाहे वो उसे आप कंपटीशन समझो, कन्फ्रंटेशन नहीं समझनी है हमें, ना कन्फ्रंटेशन समझनी है, ना हमें हेट्रेड समझनी है, ना कॉमनल हेट्रेड, ना रीजनल हेट्रेड, ना क्रीड और कास्ट की हेट्रेड, हमें कोऑपरेशन के हिसाब से। आज अगर हम दवाई दुनिया से मंगा रहे हैं, अगर हम आज टेक्नोलॉजी दुनिया से मंगा रहे हैं, तो हम आपस में क्यों नहीं मंगा रहे हैं इनके आपस में। एक बड़ी और बात है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में दुश्मन है, लेकिन लखनपुर पंजाब से लेकर या गुरदासपुर के जो एरिया उससे लेकर कच्छ तक एक पत्थर नहीं आपस में मारते जे, एक दूसरे पर ना अमृतसर वाले मारते हैं, ना लाहौर वाले मारते हैं, ना फिरोजपुर वाले मारते हैं, या फाजिलका वाले मारते हैं, ना गंगानगर वाले, ना कच्छ मारते हैं, तो जम्मू कश्मीर में ही मारते हैं। हमें क्यों मारते हैं जे? अगर हिंदुस्तान समझता है कि ये मेरा हिस्सा है तो हिंदुस्तान मरवा रहा है, वो पाकिस्तान समझता है कि मेरा हिस्सा है तो पाकिस्तान मरवा रहा है, ये दोनों देश मिलकर हमें मार रहे हैं और हम पर तजर्बे किए जा रहे हैं सारे, हम पर ही सारे सरकारें बढ़ाने की वजह। हमें समझना पड़ेगा जी, जम्मू कश्मीर की पीपल को समझना पड़ेगा कि हम इकट्ठे हो जाएं और हम इकट्ठे होकर आवाज बुलंद करें कि हमें छोड़ो भाई, हमें दोनों देश, हम नहीं चाहते कि हम आपके बराबर खड़े हो जाए, हमारी हैसियत नहीं है कि हम पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ बराबर की लड़ाई लड़े, लेकिन कम से कम हमारा ह्यूमन राइट्स तो दो हमें, हमारी ह्यूमन अर्जिस तो देखी जाए, हमारी ह्यूमन एस्पिरेशंस तो देखी जाए कि हमें आकर हमें जो आज दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी है उसे हमें भी इस्तेमाल करने का टाइम मिले। इसलिए हमें 22 दिसंबर से जो सबक 22 अक्टूबर से जो सबक लेना पड़ेगा कि 22 अक्टूबर को जो साजिश रची गई थी उसे एक्सपोज करें और
इंडिया पाकिस्तान की तरफ से जो दोनों साइडों पर जो लोगों जनता पर सुप्रेशन हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, इकट्ठे होकर हमें पीसफुल लड़ाई लड़ी जाए। तो आज दुनिया में पीसफुल गन्स नेवर कंट्रोल द ब्रेन, ब्रेन कंट्रोल द गन्स, आइडियाज कंट्रोल द गन्स। गन के साथ ना आइडिया बदल सकता है, ना आइडिया को दबाया जा सकता है। इसलिए ये सरकारों को समझना पड़ेगा कि आज दुनिया में गन्स जो है वो रोल प्ले कर ही नहीं सकती, और आज जो न्यूक बम बन चुके हैं वो तो तबाही कर देंगे। इसलिए हमें डराया जाता है रोज कि पाकिस्तान हमला कर देगा, इंडिया को भी कहा जाता होगा कि वो हमला कर देगा, जो मिसाइल चला ली है, अब मिसाइलें लग गई हैं बॉर्डर पर। हमारा तो खून ऐसे ही सूखता रहता है, रोज रोज सुनाया जाता है, रोज सूखता रहता है। इसलिए हमें इससे बाहर निकलना है, और उसका रास्ता एक ही है कि जम्मू कश्मीर की अलग अलग आइडेंटिटीज होते हुए, अलग अलग कल्चर होते हुए, अलग अलग हमारी पहचान होते हुए, हम एक हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा खूबसूरत जगह है जो दोनों मुल्कों के बीच है, और ये बगैर इंडस्ट्री लगाए टूरिज्म का ही पूरी वर्ल्ड को खींच सकता है और पैसा बना सकता है। हमारे पास पानी भी है, हमारे पास नीलम भी है, हमारे पास ज्वारात भी है, हमारे पास फॉरेस्ट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ हमें बनाने की, करने की, इस्तेमाल करने की वो इजाजत नहीं है। वो लेनी है तो हम इकट्ठे होकर ले सकते हैं। हम दोनों तरफ से अगर आज हमारे सुजा साहब ने एक अगर प्रोग्राम किया, हम पीस का प्रोग्राम क्यों ना इकट्ठे एक डेट रखकर एक ही दिन में करें, क्यों ना हम कहें कि हम झुंटी चाहते हैं, दोनों तरफ से एक ही दिन एक ही किस्म की आवाज, एक ही किस्म का स्लोगन उठे, तो हम 22 अक्टूबर के दर्द को भूल कर नया खुशी का दिन ला सकते हैं। पॉसिबल है, न्यू थिंकिंग में, न्यू वर्ल्ड में, आज न्यू वर्ल्ड बनने जा रही है। कोविड पोस्ट कोविड 19 ने पूरी सुपर पावरों को एक्सपोज कर दिया गया है, नई प्रॉब्लमें बन चुकी है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे क्लाइमेट है चेंज है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, और जो छोटी जगहों की प्रॉब्लमें जो है वो हमें चैलेंज कर रही हैं कि हमें आज इकट्ठे होना पड़ेगा। चाहे हम पहले जम्मू कश्मीर में इकट्ठा हों और इंडिया पाकिस्तान को कहें कि आप भी अब दुश्मनी का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता निकालो, डायलॉग का रास्ता निकालो, और दुनिया को अगर कंपीट करना है साउथ एशियन है, तो हमें इंडिया के दो प्लेयर जो सब कॉन्टिनेंट के हैं साउथ एशिया के, इनको पहल करना पड़ेगी, और उसके लिए हमें मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगी है, दुख हमें लगा है, हम पर गोले पड़ रहे हैं, हमें पहल करना पड़ेगी। मैं ये समझता हूं कि हमें आज एक नई प्लेटफॉर्म, जो हमारी गलतियां रही हैं कि हम इकट्ठे ही नहीं हो पाए, हम इधर भी जम्मू कश्मीर में भी रह रहे हैं अगर, तो हम उस तरीके से इकट्ठे नहीं हो पा रहे जिस तरीके से होना चाहिए, और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो ये दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है कि हम अपना हक ना ले पाए। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खुजूरिया साहब आपकी जबरदस्त प्रेजेंटेशन। तो आपने अपने एरिया के हवाले से बातचीत की कि वहां पे लोगों के क्या मसाइल हैं, तो नो डाउट हम आपसे पूरा इत्तेफाक करते हैं कि जो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, उनके दरमियान पीस होना चाहिए। हम जंग और जदल के खिलाफ हैं, और हम ये समझते हैं कि किसी एक इंसान को मार के किसी दूसरे इंसान की कोई भलाई नहीं की जा सकती, और यही हमारा कश्मीरियों से मुराद होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो नेटिव्स हैं उनका ये है मानना कि हम जो फर्स्ट पार्टी हैं इस डिस्प्यूट के। हिंदुस्तान पाकिस्तान डायलॉग करें, अपने दरमियान पीस करें, बिजनेस करें, ट्रेड करें, चाइना के साथ ट्रेड करें, लेकिन कश्मीरियों की कीमत पे नहीं होनी चाहिए। जो नेटिव्स हैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी कीमत पे ये इस तरह की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह आपने कहा कि यहाँ से भी गोली चलती है तो मरता कश्मीरी है, वहां से भी गोली चलती है या गोला आता है तो कश्मीरी है, और ये ग्राउंड रियलिटी है। वाघा में तो ये रोज मिठाई और आम और ये उसका एक्सचेंज करते हैं, और इन चीजों को लेके, और जो इंडिया जिस मायदे के तहत स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आया था कि उसने कहा था कि मैं आपकी लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करूंगा कश्मीरियों की, और उससे मुराद प्रॉपर्टी से मुराद होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। उसको रीयूनाइट करने के बजाय वो पाकिस्तान के साथ वाटर ट्रीटीज करना शुरू हो गए, फिर उधर तुम इधर हम वाली पॉलिसी चलना शुरू हो गई,
तो ये अनफॉर्चुनेट है कि उनको जो ड्यूटीज असाइन की गई थी या उन्होंने जो अपने कंधे पे जो ड्यूटीज ली थी तो उन्होंने भी उसको फुलफिल नहीं किया, तो आज उसका नतीजा हम सबके पास है और हम सफर रहे हैं। तो थैंक यू सर। आखिर में फिर अगर आपका कोई पॉइंट रह गया होगा तो उसको आप जीर ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट के तरफ बढ़ूंगा। गुलाम हुसैन साहब हैं, फॉर्मर लेबर काउंसलर रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट। यू हैव द फ्लोर सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए माइक। यस ओके नाउ ओके। अस्सलाम आदाब सब जो पैनलिस्ट हैं और बिलखसूस नासिर अजीज साहब को जो आपने ये खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। वो खूबसूरत इस लिहाज से कि टॉपिक के लिहाज से नहीं, हमारे लिए दर्द का दिन है आज, मगर इस लिहाज से कि मुख्तलिफ जो कश्मीर के हिस्से हैं वहाँ के लोग शामिल हैं और हम तबादला ख्याल कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है इस पर मुझसे पहले जो मुकर्रीन कह चुके हैं मैं उसके साथ फुली इत्तफाक करता हूं कि अगर 22 अक्टूबर ना होता तो फिर शायद 27 भी ना होता। मैं शायद क्यों कह रहा हूं इसकी मैं थोड़ी देर में जो है वो वजाहत करूंगा। और फिर ये जो हम इस मुसीबत में शायद ना होते, और अगर ये बात मुझे कोई कहता 2019 से पहले तो मैं ये आसानी से मान लेता कि इंडिया जो है इसका रोल कदरे बेहतर है। वो मेरे कुछ साथी यहाँ भी बैठे हैं जिनको मैंने पहले भी सुनाया, आज भी वो कहेंगे, कुछ कह भी चुके हैं कि इंडिया के पास कोई एक लेजिटिमेसी थी एनेक्सेशन की जिसकी वजह से वो एंटर होते थे। मेरा ख्याल है कि उनके जो सारे बयानियाँ थे लेजिटिमेसी थी वो उनका जो एक्शन है 5 अगस्त 2019 का उससे खत्म हो गया। इससे ये वाजिया होता है कि इंडिया की भी इंटेंशन वही थी जो पाकिस्तान की थी कि ये मुल्क सारे का सारा हमें मिले, अगर नहीं मिला तो इसका कुछ हिस्सा मिल जाए और इसकी रिसोर्सेज भी मिल जाए। तो जैसे खजूरिया साहब ने कहा कि बॉर्डर पर लड़ाई होती है तो गोला जो पड़ता है उधर से पड़ता है इधर से पड़ता है उसमें मरते कश्मीरी है। अपने बॉर्डर पर इनकी ना कोई जंग होती है, और नासिर साहब ने उसको जो मैं कहने वाला था वो तो मिठाइयां तकसीम होती है। और मेरा जहां तक ख्याल है कि इस वक्त भी इनकी जो है आपस में तजारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी है। नमक पाकिस्तान उनको भेज रहा है, वहां से कई चीजें पाकिस्तान में आ रही हैं। तो ये ड्रामा है, मगर इस ड्रामे में हु इज द विनर एंड हु इज द लूजर। तो लूजर जो है वो हर वक्त कश्मीरी रहेगा, विनर कभी इंडिया लगता है और कभी पाकिस्तान लगता है। तो अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ शायद आप समझे कि मैं पाकिस्तान के हक में हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई फुली कंडेम 22 अक्टूबर, मगर इंक्रीजिंगली जब मेरा नॉलेज बढ़ता है कि इंडिया का रोल इसमें क्या है पाकिस्तान का, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान हैज बीन वेरी क्लेवर। पाकिस्तान हैज फोट अ वॉर विद लेस रिसोर्सेज, बीइंग अ पुअर कंपैरेटिव कंट्री, ही हैज फोर्स्ड इंडिया, if India claims that they have been forced to put 800,000 army in Jammu Kashmir on the Indian side. Why have they not been able to tackle the terrorism in another way? Why have they not taken that issue at a diplomatic level and cornered Pakistan so that Pakistan retracts from that? So I think if their own selves, both India and Pakistan, jo hai, they are doing a great job. Magar फेलियर हमारा है कि वहाँ हमारे कश्मीरी भाई जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान ये जुल्म कर रहा है तो पाकिस्तानी या पाकिस्तान के वफादार कश्मीरी हमें कहते हैं, वहाँ तो यार वो पाकिस्तान के झंडू में दफन होना भी पसंद करते हैं, वहाँ तो हर रोज पाकिस्तान के हक में नारे लगते हैं। ये बात हम जो आज़ाद कश्मीर में लोग रहते हैं वहाँ जाकर ख़त्म नहीं कर सकते। हम तो जो कुछ यहाँ होता है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने से भी डरते हैं, मगर हमें यहाँ प्रोटेस्ट करनी चाहिए, अपने हकूक की पूरी तरह हफाजत करनी चाहिए। अब जो गिलगित बल्तिस्तान का मसला करने जा रहा है तो ब्लैक डे 22nd और फिर कश्मीरी कुछ 27th भी बनाते हैं, कुछ दोनों को बनाते हैं, तो फ्यूचर में नया ब्लैक डे होगा 5 अगस्त 2019 और वो ब्लैक डे होगा जिस तारीख को गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान सूबा डिक्लेयर कर देगा।
तो ये दोनों ही हमारे साथ गेम कर रहे, तो इसलिए वी शुड कंडेम बोथ 22nd एंड 27th। मगर इसके बाद भी जो बहुत सारे एक्शन हुए हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जो आप बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि जाहिर है हिस्टोरिकली आप लोगों का ज्यादा नॉलेज है और शायद उस वक्त का बयानिया ठीक भी होगा, मगर मेरे एक दोस्त है मिनिस्टर थे साहब का, तो उस एक गैदरिंग में उनको किसी ने कहा जी के दिस प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटेन एंड वी वांट यू टू सॉल्व, तो गुस्से में उठकर लेबर पार्टी का था चला गया। उसको मैंने बाद में बैठाया तो मैंने कहा क्या बात है यार, वो कहता है कि ये यार 50 साल पहले हुआ, उस वक्त 50 या 60 साल हुए थे, तो अब 70 साल ये अब वो हुकूमत चली गई हमारी, अब जो मौजूदा हालात है इनके ऊपर आपका क्या रोल है, आप अपना रोल करें, हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा मसला यूनाइटेड नेशन में कौन लेकर गया, इंडिया, यूनाइटेड नेशन में हमारा डिफेंस या वकील कौन अपने आप को क्लेम करता है, पाकिस्तान। तो हमें इनके चक्करों से बाहर निकलना चाहिए, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि शौकत कश्मीरी साहब जैसे लोग, इनकी ऑर्गेनाइजेशन और भी कुछ लोग कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, तो इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे हमें और भी करना चाहिए। मगर जब मैं कहता हूँ कि वो लोग काफी क्लेवर है, कभी कभी वो डिफेंस करते थे हमारे लोगों का, कि जो कहते थे आजाद कश्मीर में अगर कोई कहता है कि ये इंडिया पाकिस्तान का कसूर है, तो उसको 18 दलीलें देते थे बल्कि रास्ता रोक नहीं। तो आजकल मैंने देखा है यहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें हमारे डॉक्टर शबीर जैसे दोस्तों को भी टफ टाइम देने के लिए ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके पास कोई हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है, मगर पता नहीं उनका क्या बयानिया है कि वो हर हालत में पाकिस्तान को डिफेंड करना है। तो इसलिए कश्मीरियों के लिए लेसन ये है इस डे के हवाले से, और मैं कुछ दोस्तों ने पहले भी तजवीज़ दी है और यही तजवीज़ दूंगा कि ये पैनल जो है सीरियसली जो सोच आपने की है कि दोनों तरफ से बल्कि तीनों तरह गिलगित-बल्तिस्तान लोगों को इकट्ठा करके कोई फ्यूचर स्ट्रेटजी बनाई जाए, तो इसको आगे करते हुए हम ये बयानिया आम करें कश्मीरियों में, इस पार कश्मीरी जो पाकिस्तान की तरफ है, उस पार जो इंडिया की तरफ है, उनमें भी आना चाहिए, ताकि हमें को ये ना कहे वहां के कश्मीरियों का तो मसला ही नहीं है जी, वो तो झंडे लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो आप चंद लोग यहाँ जो उनके खिलाफ करते हैं, तो ये सब ने मिलकर करना, तो ये यही हमारा फ्यूचर है। मेरा ख्याल है भक्ति तौर पर सूबा डिक्लेयर हो जाता है, ये हो जाता है, काफी नुकसान दिया है, मगर अगर हमारी रिजर्व कायम रहे, एफर्ट कायम रहे, तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर कामयाबी होगी। थैंक यू। थैंक यू गुलाम हुसैन साहब। तो जाहिर है 1947 में ग्रेट ब्रिटेन का एक बड़ा रोल था, तो उसमें आज अगर लेबर पार्टी नाराज होती है या नहीं होती उससे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान में जो भी वो चीज एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो उनकी पॉलिसीज वहां पे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो, उनको वो ऑन बोर्ड ले सकते हैं कि आप जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट है उनको कश्मीरियों की विशेष के मुताबिक हल करें। तो ये उनके अगर फोर फादर्स ने कोई गलती की हुई है, तो आज अगर मेरे फोर फादर्स ने कोई गलती की हुई है तो मैं उठ के भाग नहीं सकता, बल्कि मुझे उस रियलिटी को एडमिट करना पड़ेगा, और अगर मेरे बस में होगा तो मैं उसको अनडू करूंगा। अनडू अगर नहीं कर सकता तो कम से कम माफी तो मांग सकता हूँ ना उस नेशन से, उस कौम से, कि जो उनके साथ ट्रेजेडी हुई, जिनकी वजह से वो डिवाइडेड हैं। तो बहरहाल आप वहाँ पे हैं, आप वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो आप लोगों को उनको समझाना चाहिए कि भाई इस क्रिटिसिज्म का मतलब यह नहीं कि आप लोगों ने किया, लेकिन आपके उस एहद में जो पॉलिसीज थी जो कोल्ड वॉर एरा की, तो उसमें आपने ये जो आपने ब्लंडर्स किए हैं तो उसको आप ही अनडू करवा सकते हो, तो अगर आप सीरियसली इन चीजों में इन्वॉल्व हूं तो। तो मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की जानिब बढ़ता हूँ। जनाब अशोक कुमार शर्मा जी हैं, जम्मू से, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, फॉर्मर MLA रह चुके हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुके हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। यू हैव द फ्लोर सर, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। शुक्रिया सरदार साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पिछले भी इंटरेक्शन में मुझे आपने बुलाया और इसमें भी। तो ये जो एक मखसूस तरह का टॉपिक था, लेकिन इसकी जो
इम्पैक्ट है वो मल्टी डायमेंशनल है। तो अगर हम ये देखें पहले, क्योंकि जो स्पीकर हजरत ने पहले अपनी बातें करी हैं उनके साथ इत्तफाक करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 22 अक्टूबर का इवेंट है, ये ट्राइबल इन्वेजन अगर हम कहते हैं तो उसके साथ साथ ये जरूर जुड़ता है कि ट्राइबल के पास इतना बड़ा वेपन कैसे आ गया और कहां से आया। तो ये अगर हम इस बात की का मावजना करें तो फिर अगर हम देखें कि रेडर्स इन कश्मीर, जो मेजर जनरल अकबर खान साहब ने लिखा है किताब, उसमें कहा है कि इसमें इस अग्रेशन में जो है पाकिस्तान का हाथ रहा है। तो अगर उससे पहले हम जाएं तो हम देखें कि जब हमारा इंडिपेंडेंस शेड्यूल हुआ था 1948 में, लेकिन हमारे बहुत बड़े इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के नेता जना साहब बीमार हो गए और फिर उनको यहाँ से लंदन ले जाया गया। और जब वहाँ ले जाया गया, जैसे हम आज तक समझ पाए हैं कि उनको टीबी का बीमारी था, लेकिन उस वक्त हमारे इस देश में वो टीबी का एक्सरे करने का मशीन नहीं था, तो यहाँ उनका डायग्नोसिस नहीं हो सकता था और ना ही वो हम यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते थे। और उस वक्त बहुत देर बाद जाके टीबी का ट्रीटमेंट जो आया, जैसे आज हम COVID-19 का वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, तो इसी तरह का बहुत समय उस वक्त लगा। तो वहाँ जब उन्होंने देखा इंग्लैंड ने के जना साहब चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त 8-10 महीने के बाद वो टीवी का बीमार जिंदा नहीं रहता था, तो फिर उन्होंने इंडिपेंडेंस को प्रीपोन्ड किया। वजह उसकी हमें जो हमारे नॉलेज में है, गलत भी हो सकती है, सही का हम यकीन रखते हैं, तो उसमें प्रीपोन्ड करने का सिर्फ यही था कि टू नेशन थ्योरी जो है वो कायम रहे, ताकि हम भाई भाई लड़ें, हिंदुस्तान पाकिस्तान बने, और फिर वो प्रीपोन्ड करके हमें आज़ादी दी। तो अगर हम इस तरह से ये देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में कि जिसका बीज ही इसलिए बोया गया कि हम लड़ते रहें, और उसी के बुनियाद के ऊपर हम आए दिन तक उसी बोए हुए बीज का शिकार हैं। और जब ये 22 अक्टूबर का ट्राइबल इन्वेजन, जिसको हम आज कह के ये सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो इट वाज फुल फ्लैज यू नो कॉन्स्पिरेसी, और उसको वो हमारी तबाही और बर्बादी का इजामन हुआ। और अगर फिर अगर हम बारीकी में जाएंगे तो देखेंगे उन लोगों ने किया क्या, जो इन्वेजन करने वाले थे, उन्होंने देखा जो मर्द थे उनको मार दिया, जो बच्चे थे उनको मार दिया, जो औरतें थी उनको वो साथ में ले गए। इससे ज्यादा हम इसकी विस्तार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ सलूक क्या हुआ। और ये नहीं हुआ कि जो आज या कभी कभी ये कहा जाता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है या कोई और है, तो लेकिन उसमें कुछ नहीं देखा गया, उसमें सिर्फ देखा गया मर्द, बच्चे और औरतें, और खासकर नौजवान बच्चियां, हमारी बहनें। तो उस तरह से अगर हम देखें तो ये वो एक नफरत का बीज, ये डिस्ट्रक्शन का बीज जो बोया गया। और फिर उसके बाद अगर हम अगर आगे जाएं तो हम देखेंगे कि 24 साल के बाद अगर ये बात होती हिंदू मुसलमान की, मुस्लिम की बात होती, तो ईस्ट पाकिस्तान में इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं होता, वहां इंडिपेंडेंस स्ट्रगल नहीं होती, और वो कामयाब होने के बाद भी शेख मजीबुर रहमान को वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि ये क्या एक साजिश थी और किस तरह से ये सारी बातें हुई हैं। तो ऐसी हालात में जब हम देखते हैं कि असल में कौन जिम्मेवार है इसका, चलिए कई बार तो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान भी जिम्मेवार है और पाकिस्तान भी जिम्मेवार है, लेकिन अगर हम इसको देखें कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, हम तो इंसान हैं, दुनिया में इंसानियत की कदर है, और चाहे इंसान किसी भी मजहब का हो, पर क्या ये जो सब हुआ है ये किस जमीन पर हो रहा है, ये हमारी जमीन पर हो रहा है, ये
और खसूसन जम्मू कश्मीर की जमीन पर हो रहा है। अब ये जमीन का झगड़ा भी कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और किस तरह से हो रहा है, अभी एक तरफ से होता है फिर थोड़ा रुक जाता है, फिर दूसरी तरफ से होता है फिर रुक जाता है, फिर तीसरी तरफ से होता है। तो इस तरह से हम असमंजस में हैं, हमारी जो कौम है ये खराब हो रही है, ये इसकी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं। तो इसको रोकने का तरीकाकार जो पिछली बार भी सुझाव किया गया था और खासकर शौकत साहब ने जो कश्मीरी साहब ने जो राय दी थी, मैं उनकी फिर सराहना करूंगा कि जब तक हम उस तरफ नहीं जाते, जहाँ खजूरिया साहब ने जो बात करी है कि हम उस तरफ नहीं जाते, जब तक हम यूनाइट नहीं होते तब तक हम ना यहाँ के और ना वहाँ के, और हमारी जो है हालत जो है वो बिल्कुल खराब से खराब होती जाएगी। अगर ये मान लेते हैं, अगर मान लें, अगर हम एक जो तारीखी आस्पेक्ट है उसको भी देखें, तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो 12 अगस्त को हुआ, तो वो किसने किया, किसके साथ हुआ और उसने उस एग्रीमेंट का क्या किया, उसके पीछे क्या मकसद था? मकसद यही था कि हमें उलझाया जाए और उसके बाद हमें तबाह बर्बाद किया जाए। तो उसके बाद अगर फिर ये बातें जब आगे बढ़ी, तो फिर अक्टूबर में जब वो लोग यहाँ निकल आए और देवर लेस विद दी वेपन्स, अब ये तो नहीं हो सकता कि सिविलियन के पास इतने वेपन होंगे और ट्राइबल्स के पास इतने वेपन होंगे और अटैक करेंगे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी हम जम्मू कश्मीर के लोगों को, और खासकर जो कश्मीरी यानी हमारे भाई कश्मीर में कश्मीर के हिस्से में थे, कि उन्होंने बिल्कुल डट के मुकाबला किया, बल्कि टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए यहां तक कि वो फौज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। और फिर कहा, अगर आप याद होगा, हमें कभी कभी सुनाया जाता है कि कैसे वो किस तरह यूनाइट हुए, कहा रजकार होशियार, हम कश्मीरी हैं तैयार। तो इस तरह से एक मास मूवमेंट बनी, जो मास लेवल पे यूनाइट हुए, जब हमारी बच्चियों बहनों को ले जाया गया, खींचा गया, या क्या उनके साथ करने की कोशिश की गई, तो हुआ। तो ये अभी मैं ये कहूंगा, ये एक ही तरफा हो रहा है। अगर भारत का हम सोचें तो भारत इसमें मुलव्वस नहीं है इन चीजों में। तो ये एक हमें थोड़ा सा इस तरफ से भी क्लियर होना पड़ेगा। तो अगर हम महाराजा की बात करें, तो महाराजा का जो नजरिया था वो ठीक था, वो जम्मू कश्मीर को यूनाइट रखना चाहते थे, जम्मू कश्मीर एक अपनी आइडेंटिटी हो, एक उसका तसद्दुक हो, और एक एक जो एक ये मजहबी जो गुवारा है, ये कई फूलों से मिलके गुलदस्ता बना हुआ है, और इस रियासत के लोगों ने और उन लोगों ने बनाया था, वो चाहते थे। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसने महाराजा ने सीधा कहा कि आई एम फर्स्ट इंडियन। तो अगर उसने ये कहा तो उसका कभी ये नजरिया नहीं था, लेकिन क्योंकि एक आदमी ने एक मुल्क ने उसको लालच दे दिया, उसको कहा कि मैं आपके साथ हूं, मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे हम यकीन करेंगे, तो उससे वो शायद किस तरह से क्या हो गया मैं नहीं कह सकता, पर अल्टीमेटली एक धोखे का काम हुआ। और फिर अगर हम अपनी तारीख में जाएंगे, तो फिर जिस वक्त यहाँ से निकले फौज, हिंदुस्तान की फौज वहां पहुंची और उनको पुशबैक किया गया, तो अगर आर्मी वहां उस वक्त के ये लोग पुशबैक नहीं होते, तो आज सिनारिया जम्मू कश्मीर सिनारियो और तरह का होता। तो इंडिया तो बिल्कुल एट रेस्क्यू आया है, अगर हम पूरी तरह से इसको देखेंगे तो ये रेस्क्यू आने वाले को हमें उस तरह से डील करना होगा, और जो जिसकी मुश्किल के कारण हम रेस्क्यू में आए चाहते थे, उसको दूसरी नजर से हमें देखना होगा। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग जैसे यहाँ कहा गया, और मैं ये कहूंगा कि हमें वाकई ही एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, एक इस तरह का यूनाइटेड एफर्ट करनी होगी, ताकि हम आपस में भी एक पूरी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग कायम करें, एक दूसरे के ऊपर पूरा यकीन हो हमें, और
मैक्सिमम डेलीग्रेशन जिस तरह आप कर रहे हैं सरदार साहब, ये बड़ी एक अचीवमेंट है। मैं ये सोचता हूँ कि इससे बड़ा तरीका आज इस समय में, इस वक्त में जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपने जकड़ में रखा हुआ है, और उसमें भी आप लगे हैं, और हमारे साथी जो हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड पैनल है, पहले भी इसी तरह का एक एक्सपीरियंस पैनल था, तो ये चीजें ये हमने अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं चाहे दूसरे रिसोर्सेज हैं, हम लोगों को पूल करने होंगे। तो अगर हम ये देखेंगे क्या ये सारा जो हो रहा है हमारे ऊपर, क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, और क्या ये टॉलरेबल है? क्या अगर ये हम देखें कि हम इस इनह्यूमन ट्रीटमेंट के खिलाफ इकट्ठे नहीं हो सकते क्या? अगर ऐसा कर सकते हैं तो हमें कंटिन्यूस एफर्ट करनी होगी, और अपने रिसोर्सेज को पूल करके इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो एक सुरक्षित हों, एक प्रोटेक्टेड महसूस करें। लेकिन उसके लिए हम लोगों को, शायद हमारी एज में भी अभी खुदा या भगवान जो भी उसको कहें हम लोग, कि उसने शायद हमारे लिए कितना वक्त रखा है, लेकिन आप सदा सब यंग लोग हैं, आप लोगों के ही पे ही हमारी जो है उम्मीदें मबनी हैं। तो आप इसमें और एफर्ट करिए, और यहाँ बहुत एक्सपीरियंस पैनल है, ये सभी का रिसोर्स, जो अपना ह्यूमन रिसोर्स भी हम लोग पूल करें, और एक इंटेलेक्ट रिसोर्स से हम कुछ एक स्ट्रेटजी जिसका जिक्र हुआ है उसको स्ट्रेटजी को बना के हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमें बढ़ना चाहिए। बिकॉज हमारे जैसे साथी को, बंदे को या कुछ और साथियों को के पास समय कम है, ये हमारा अभी तो हमारा जो कैपिटल था वो खत्म हो गया, अब इंटरेस्ट है, हमें बोनस पे हम लोग जी रहे हैं, तो इस बोनस को कब खत्म हो जाना है, इस बोनस के समय में भी हम करना चाहते हैं कि कुछ हम आगे करके जाएं और निकलें, और अपने अपनी सुरक्षा का जो है वो करें, अपनी आइडेंटिटी बाहर रखें। अब यहाँ भी आप देख लीजिए कि किस पोजीशन में हम जम्मू कश्मीर रियासत में हैं, एक रियासत एक मुल्क की तरह थी, फिर रियासत बन गई, जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ, एक छोटा सा पार्ट हमारे पास रह गया, और बाकी आगे पीछे अभी उसको यूनाइट करने की बात तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने भी की, लेकिन उस पर हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस तरह से अभी हम लोग यूटी यहाँ बन गए, और आगे हम ये टूटी फूटी कितनी बनते रहेंगे और कैसे जो होता रहेगा, पहले कम टूटे फूटे थे और टूटे फूटे हो गए, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखे हमें एक प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप करिएगा, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हम बुड्ढों को कोई बताइए हम कैसे कर सकते हैं, और हम लोग इस मिशन के साथ हैं। सर आपका कंप्लीट हो गया? हाँ जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। तो हमारी तो ये सिंसियर एफर्ट्स हैं सर के उस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जिस एरिया से भी जो लोग हैं तो वो आए अपनी बात करें, जो उस हिस्टोरिकल स्टेट को जिसने आज हमें ये बाइंड किया हुआ है, चाहे मैं रावलाकोट से हूँ, एक बंदा जम्मू से है, एक श्रीनगर से है, एक किसी और एरिया से है, तो हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो उसी स्टेट के हवाले से कि वो उसकी जो ताकत के बलबूते पे जिस तरह उसको तकसीम किया गया, तो हमारी ये एफर्ट्स हैं कि किस तरह हम रीयूनाइट हो सकते हैं, किस तरह हम वो जो हमारी स्टेट थी उसका रिवाइवल हो सकता है। तो ये जो इस तरह की जो ड्यूटीज असाइन की गई थी, जिस तरह पाकिस्तान को यूएन ने कहा था कि आपने 4th विकेट करना है, उन्होंने नहीं किया, हिंदुस्तान आया एक ट्रीटी के तहत कि जी हम आपकी लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, तो और जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन की कि पूरी स्टेट को हम रीयूनाइट करेंगे 1994 में, तो उस पर तो कोई अमल दरामद नहीं हुआ, रेजोल्यूशन तो हो गई लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं किया गया, और जो उनके अपने जेर इंतजाम मुल्क था उसका भी जो स्टेट का वो डिग्रेड करके तो यूनियन टेरिटरी बना दी, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि हर एरिया से लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, और खुदा आपको लंबी जिंदगी दे, भगवान खुदा जो भी जिसके मानने वाले, रिलीजन मेरे नज़दीक प्राइवेट मैटर है, वो गॉड के, इंसान के, अल्लाह के बीच में है, तो मुझे कोई राइट नहीं पहुंचता कि मैं अपना बिलीव आप पे थोपू या आप हम पे थोपे। तो ये ब्यूटी थी उस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कि हम सारे सदियों से इकट्ठे रह रहे थे,
फिर ये मजहब के कार्ड को यूज किया गया और उसी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम डिवाइड हैं। तो आखिर में फिर इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। तो जो हमारे बस में है, बाकी जिस मीडिया तक हमारी एक्सेस नहीं है, जिस तक है तो उस पर तो हम अपनी बात रखते रहेंगे। पीसफुल स्ट्रगल है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे वो उनका मसला है। हम तो अपनी मादरे वतन जो स्टेट है उसी के साथ लॉयल हैं, लॉयल थे, रहे और रहेंगे इंशाल्लाह मरते दम तक। तो सर इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर मिसवर हसन साहब हैं, लेबर पार्टी से के काउंसलर रह चुके हैं, यूके में प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन लीग, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप जोन में। सर यू हैव द फ्लोर प्लीज। बहुत शुक्रिया सरदार नासिर अजीज साहब, शौकत कश्मीरी साहब और तमाम पैनलिस्ट और जो दोस्त यहाँ सुन रहे हैं कि आप लोग ये जो एक एफर्ट कर रहे हैं, गो के बहुत लेट है लेकिन फिर भी एक रास्ता जो है वो डेवलप हो रहा है और आप एक हर तारीखी हवाले से जो बात करते हैं उसको रखते हैं मामले को, तो उससे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। अब ये 22 अगस्त वाला जो 22 अक्टूबर वाली जो सूरत हाल थी उस पर बहुत से दोस्तों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और उस पर मैंने भी जो थोड़ी बहुत मेरी तहकीक में आई है चीज़ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और जितना ज़्यादा इस पर तहकीकात की जाए उस वक़्त के हवाले से जितनी तस्वीरों की फोटोग्राफिक एविडेंस है, जितना किताबी एविडेंस है जिसका अभी दोस्तों ने जिक्र किया ये रेडर्स इन कश्मीर का, और उसके अलावा सरदार शौकत हयात साहब एक थे जो उस कॉन्स्पिरेसी के एक सरकर्दा रहनुमा थे, तो वो सारे ये बात कहते हैं कि जनाब ये जो ऑपरेशन था ये कबाइलियों की यलगार का, इसमें जिना को इल्म नहीं था। और केश खुर्शीद जो जिना साहब के साथ रहे 43 से लेकर 44 से लेकर 47 तक और उनके मोतमद खसूसी के हैसियत से उन्होंने काम किया, और जब जिना गांधी मुजाकरात हो रहे थे तो केश खुर्शीद वाज दी थर्ड पर्सन ओनली पर्सन जो उस तमाम मुजाकरात की जो प्रोसेस था उसका गवाह था। बाहर निकल के क्या लिखा जाता है क्या बताया जाता है दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी, लेकिन जो अंदर बातचीत होती है उसका मामला कुछ और होता है। तो इस हवाले से जब पाकिस्तान बन गया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने केश खुर्शीद के बारे में अपनी पहली तकरीर में ये बात कही कि पाकिस्तान मैंने, मेरे सेक्रेटरी केश खुर्शीद और उसके टाइपराइटर ने बनाया। ये ट्रिब्यूट था मोहम्मद अली जिन्ना का केश खुर्शीद के लिए, और केश खुर्शीद वॉज लाइक अ फैमिली मेम्बर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। बाद में उन्होंने फातिमा जिन्ना के चीफ पोलिंग एजेंट का भी एक रोल प्ले किया जिसमें उनको बाद में गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिस तरह शेख मुजीब साहब और बाजा खान साहब और बलोच लीडर्स को भी जारी किया गया। हालांकि जारी करने वाले जो थे वो खुद जायनिस्ट के एजेंट हैं, जनरल अयूब खान जो है ही वॉज एन एजेंट ऑफ जायनिस्ट। पाकिस्तानी फौज के जितने भी सरबराह आते हैं इनका पाकिस्तान की वेलफेयर से, पाकिस्तान के लोगों की वेलफेयर से कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। जितनी भी हिस्ट्री मैंने रिव्यू की है उसमें हर जगह अपनी ही फौज जो है अपने लोगों को मार के तो जो उसका सारा मुद्दा है वो दूसरे लोगों पर डालते हैं ताकि उनकी हुकूमत अपनी कायम रहे। तो खुर्शीद साहब ने एक तजवीज़ पेश की थी 1962 में कि जनाब मुजफ्फराबाद हुकूमत को पूरी जम्मू कश्मीर रियासत के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत मान लें, और उसके लिए उन्होंने जम्मू के जो महाजरीन थे पाकिस्तान में आबाद उनको नुमाइंदगी दी थी उस असम्बली के अंदर, जो कश्मीर वैली के महाजरीन थे उनको नुमाइंदगी दी, आज़ाद कश्मीर के जो लोग थे उनको नुमाइंदगी मिली, और गिलगित बल्तिस्तान का भी नुमाइंदा उसमें शामिल था, इसहाक बल्ती उनका नाम था। तो ये एक उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया और फिर पाकिस्तान के सदर से कहा कि आप इसको रिकग्नाइज़ कर लें तो हम इसकी बातचीत आगे शुरू कर सकें। अभी किसी ने बात की थी कि अमन की बात नहीं हो रही और अमन का प्रोसेस क्या है, तो उस वक़्त जनाब उनके खिलाफ जब उन्होंने ये तजवीज़ पेश की तो कुछ जो सरकारी मुलाजिम किस्म के लीडर थे यहाँ पाकिस्तान साइड के कश्मीर में उनको बड़ी इस पर तकलीफ़ पहुँची। उन्होंने कहा जनाब कि ये तो
इससे कश्मीर आज़ाद हो जाएगा तो ये तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखेगा, केज खुर्शीद के बारे में उन्होंने कहा। और इस तरह से उनको 64 में शेख अब्दुल्ला के साथ उनकी मुलाकात हुई जब वो आए यहाँ, और उनकी कुछ बातचीत हुई मुजफ्फराबाद जाते हुए। ये भी एक तारीखी वाक़या है कि वो एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, शेख अब्दुल्ला तो थे वो वहाँ के हुक्मरान थे और केज खुर्शीद प्रेसिडेंट थे मुजफ्फराबाद के। उन्होंने आपस में, चूंकि दोनों का ताल्लुक श्रीनगर से था, उन्होंने आपस में कश्मीरी में बातचीत की। तो जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो, उसने जनाब रिपोर्ट दी, वो इंटेलिजेंस का बंदा था, उसने कहा जनाब ये दोनों तो कश्मीरी जबान में बात कर रहे थे और कश्मीर को खुद मुख्तार बनाने की बातें कर रहे थे, जो कश्मीरी जबान का लफ्ज़ नहीं समझता था उसकी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर उनको हुकूमत से बर्खास्त किया गया। बात यह कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ 22 अक्टूबर का, यानी इसको प्लान किया बरतानवी जो उनकी मिलिट्री के लोग थे, और आगे जिनका जिक्र हो रहा है अकबर खान साहब, ये उसी सैंडहर्स्ट कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। और ये लोग जो थे इन्होंने यानी बरतानवी हुकूमत की जो ये थी इनकी एफिलिएशन या उनका हलफ लिया हुआ था, ये उसकी पासदारी कर रहे थे और आज भी करते हैं ये लोग। इनके जितने भी एक्शंस हैं उसमें ये बात बड़ी वाजिया हमें नज़र आती है कि ये आज भी उस एलिजेंस का जो उन्होंने बरतानवी हुकूमत के साथ किया था वो आज भी उसका पास करते हैं। तो अकबर खान साहब ने जो है वो उनके साथ मिलकर उनको गाइड किया गया कि आपने एक प्रॉक्सी वार शुरू करनी है कश्मीर के अंदर। जो 22 अक्टूबर को शुरू हुई वो एक प्रॉक्सी वार थी, और उसमें कहा यह गया कि जनाब पाकिस्तान का नाम जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। बहुत से मेरे दोस्त ये समझते हैं कि यार हम जब अपनी बात करेंगे तो ये शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन असल में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हो रही है वो तो GHQ में होती है पाकिस्तान की। और इस बात पर मैं सारी दुनिया के अंदर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कोई आदमी, कोई आलिम फाजिल बैठे और उसके साथ हम तारीख की बुनियाद पर ये बात करने के लिए आज भी तैयार हैं कि जितनी भी साजिश हो रही है वो हमेशा GHQ के अंदर पैदा हुई और जवान हुई है और इम्प्लीमेंट हुई है। तो प्रॉक्सी वॉर की वजह से उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं आएगा, कबायलियों के नाम चला गया और बाकी सारी बातें जो आपने की। उसके बाद 1965 का इलेक्शन हुआ यहाँ पर मुतरमा फातमा जिना और अयूब खान के दरमियान। मैं थोड़ी सी बात लूँ, टाइम लूँगा आपका जनाब नासिर साहब। उसमें जिन लोगों ने अयूब खान की मुखालफत की या जिन मोहतरमा जिना का, फातमा जिना का साथ दिया, उन सब को इन्होंने गद्दार करार डिक्लेयर किया। लेकिन चूंकि उसमें बेशुमार धांधली करके अयूब खान साहब जो थे वो सदर बने, तो जनाब उनके ऊपर प्रेशर बिल्ट अप हुआ और लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है। तो अयूब खान की हुकूमत जब प्रेशर में आई तो उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो है वो प्रोग्राम बनाया। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो 22 अक्टूबर की जो स्ट्रेटजी थी, ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर भी उसी को इस्तेमाल किया गया कि प्रॉक्सी वार करें आप। तो पाकिस्तानी फौज घुसी अंदर जाके जम्मू कश्मीर में और कहा गया जनाब कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, और अल्टीमेटली दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो गई। और उसका नतीजा ये निकला कि जनाब बंगाली जो थे, जिनका भी आपने जिक्र किया कि वो अक्सरियत में थे, शेख मुजीब को इक्तदार मिलना चाहिए था 1970 में, लेकिन उसको इक्तदार नहीं दिया गया और उसके नतीजे में बांग्लादेश बन गया। तो ये साजिश जितनी भी है ये सारी GHQ से निकली है। उसके बाद कश्मीर का मसला जो है वो शिमला माहदे भुट्टो साहब ने किया और वो बैकग्राउंड में चला गया। लेकिन हम लोग जो थे वो सियासी तौर पर लिबरेशन लीग के जो दोस्त थे, केज खुर्शीद थे, उन्होंने अपनी तहरीक को जितनी भी हो सकती थी वो जारी रखा। 1986 के अंदर खुर्शीद साहब हरारे गए और वहाँ जाके उन्होंने 101 मुल्कों के लोगों को कश्मीर का मसला पेश किया। उस वक्त तक हमारा आपस में आपके साथ कोई रابطہ नहीं था, बहुत जनरेशन गैप आ गया था, गिलगित वालों के साथ रابطہ ख़त्म हो गया था और आपस में एक दूसरे के खिलाफ बड़ी बदगुमानियाँ पैदा हो गई थी। अब हमें ये कहा जाता है जनाब के जम्मू के लोग तो वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, गिलगित वाले जो हैं वो तो जी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। हमने कहा यार आप उनसे राय तो ले लें आप एक दफ़ा कि आप हमें आज़ादी दें, हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलें। जैसे अब शौकत कश्मीरी साहब, नासिर साहब ने शुरू किया ये सिलसिला, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप कि ये चीज़ हमें बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन देर से सही लेकिन दुरुस्त हो रही है। 1986 में लंदन में
एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई कश्मीर पर, और उसमें केश खुर्शीद ने उस वक्त ये मुसल्ला जदोजहद की बातें जो सरगोशियों में जारी थी पाकिस्तान के अंदर, और ये भी सुनने में आ रहा था कि लोग कुछ जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और असला जा रहा है और ये हो रहा है, तो उन्होंने लंदन में ये बात बर्मिंगम के मुकाम पर पूरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बड़ी वाज़े अल्फाज में कही कि कश्मीर के लोगों को उन्होंने और लीडर्स को ख़ास तौर पर उन्होंने वार्निंग दी कि अगर आप लोग बंदूक इस्तेमाल करोगे तो इससे कश्मीर के लोगों का और कश्मीर का नुकसान होगा, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। और नवे की जो फिर तहरीक है या जो भी इंटरवेंशन है वो फिर उसी प्रॉक्सी वार की तरफ लेके जाती है हमें, जो 22 अक्टूबर को हुई। तो ये सारा नैरेटिव जो है ये पाकिस्तान ने उस वक्त शुरू किया और आज भी कश्मीर में जारी है, उसकी कितनी तबाही हो गई है वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। तो अब मामला ये है कि बातचीत की बात आप कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ बातचीत करनी चाहिए, मुश्किल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी अगर आप देखें, शौकत कश्मीरी साहब ने थोड़ा सा टच किया था उसको कि पाकिस्तान का 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म आज जो है वो उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसको तरह तरह के इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं। उसकी बेटी का कमरा रात के 4 बजे पुलिस ने तोड़ा सिंध में, और जनाब उसके खामन को वहाँ से गिरफ्तार किया, यानी इस तरह से जैसे कोई वो क्रिमिनल था या उसने पता नहीं कोई बहुत बड़ा जुर्म किया था। तो पाकिस्तान में बातचीत वाला दरवाज़ा जो है वो, मैं अब 60 साल से ऊपर हो गया हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई मामला जो है वो बातचीत के ज़रिए हल हुआ हो। मेरे दोस्त नाराज़ हों या राज़ी हों, लेकिन जो हिस्ट्री मैंने अपनी आँखों से अपने ज़िंदगी में देखी है, पाकिस्तान में बातचीत वाला मामला जो है वो, अगर उनकी बात से आप इत्तफाक नहीं करेंगे तो वो कहेंगे कि आप मुल्क दुश्मन हैं। ये बॉटम लाइन है पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स की। तो इस सूरत हाल के अंदर अब पाकिस्तान में सियासी कुवतें जितनी हैं वो सब किनारे लगा दी गई हैं, उनको कोई स्पेस नहीं दिया गया, मुजफ्फराबाद के लोगों को कोई स्पेस नहीं दिया जा रहा, गिलगित के लोगों को उन्होंने ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हम जनाब इस इलेक्शन के बाद जो 2 नवंबर को होने वाले हैं उसके बाद आपको जनाब हम पाकिस्तान का सूबा डिक्लेयर कर देंगे। और यही सरगोशियाँ जो हैं, जब इमरान खान साहब गए थे अमेरिका के दौरे पर 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिलने, तो उस वक्त भी ये बातें सुनाई दी गईं कि जनाब इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया है। तो अभी आपने चीन का भी जिक्र किया, इस सारे सिनेरियो के अंदर अब जितना भी हम जल्दी किसी कॉमन एक नैरेटिव के ऊपर पहुँचें वही हमारे मुस्तकबिल की नस्लों के लिए बेहतर होगा, और उसके लिए हमें आपस में बैठ के बदगुमानियाँ और जो गलतफहमियाँ हैं उनको भी दूर करने की ज़रूरत है। मसलन अभी आपने बात की कि दो कौमी नज़रिए की, जिन्ना का दो कौमी नज़रिया जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था। केश खुर्शीद ने, जिनका मैं जिक्र करता हूँ बार बार, उन्होंने एक तलबा यूनियन बनाई श्रीनगर में 41 के बाद, 42 के बाद, उसका नाम उन्होंने रखा मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं कहा उसको, या मुस्लिम लीग नहीं बनी वहाँ पर, इसलिए कि रियासत जो थी उसको मेनलैंड इंडिया, हिंदुस्तान के दो हिस्से हैं, एक जो इंडियन इंडिया है जिसकी 500 के करीब रियासतें हैं और दूसरा जो मेनलैंड इंडिया है। सो मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिक्स थी वो मेनलैंड इंडिया के लिए थी, और रियासत के अंदर जो चूँकि मज़हब की एक एक्सप्लॉयटेशन हुई, और वो सारी की सारी किसने की, ब्रिटिश ने, उन्होंने ये मजहबी डिवाइड पैदा किया, वरना तो उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सारे लोग रहते थे इकट्ठे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अगर आप देखेंगे 46 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जब ये 3 जून का प्लान आया तो जिस तरह से मास माइग्रेशन शुरू हुई और कत्लेआम हुआ, तो उस वक्त ब्रिटिश जो था वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास थी, मैनेजमेंट सारी उनके पास थी, उन्होंने ये सारा कत्लेआम डेलिबरेटली होने दिया, चूँकि जंग अजीम ख़त्म हो चुकी थी, उनको असला जो है वो बेचना था। तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी, ये कश्मीर में था, फलस्तीन में था, अपना तुर्की के उस एरिया में था, हर जगह पे इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट छोड़े, और लेबर पार्टी ने छोड़ा अपना गुलाम हुसैन साहब। अगर कोई नाराज़ होता है तो मैं अब लेबर पार्टी के सारे लोगों को ये बात बोलता हूँ
उनके एमएनएस को भी मैंने बोला कि आप लोगों ने जो है वो बेड़ा गर्क किया हमारा कश्मीर में, आप लोग ये किस्सा छोड़ के आए और जिसने हमारी सारी जिंदगी तबाह कर दी। तो अब सूरत हाल यह है जनाब के जितनी जल्दी हम हो सके कॉमन इश्यूज डेवलप करें, गलत फहमियों को दूर करें और कॉमन नैरेटिव को लेके आगे चलें। यही जनाब हमारी गुजारिश है। कोई कौन सा मजहब इख्तियार करता है, कोई कौन से कपड़े पहनता है, किसी का क्या बिलीफ है, हमें इससे कतई तौर पे पर्सनल कोई वो नहीं है उसमें। जिस तरह से ये एक्सट्रीमिज्म को डेवलप किया जा रहा है इस वक्त, ये GHQ का नया नैरेटिव है। पहले तो उन्होंने कहा था कि वो क्या है गजवाए, एक गजबे का नाम रखा था, अब कल परसों से एक नया नैरेटिव जो है वो सामने आ रहा है कि जनाब आप ये इस्लामी कोई सदारती निज़ाम जो है उसके नाम से वो कुछ चलने लगी है सूरत। तो ये सारी जो यानी एक्सपेरिमेंटेशन है ये होती है वहाँ पर, और हमें जो है उससे थोड़ा सा किनारा करके अपने लोगों को आपस में मिला के और एक आवाज़ हो के बात करें तो फिर हो सकता है कि शायद पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क हमारे कोई मदद करने के लिए तैयार हो जाए। वरना बातचीत के ज़रिए पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जो नुमाइंदे हैं वो कभी भी आप उनको कायल नहीं कर सकते। इसी पर मैं इत्तेफाक करूंगा एक दफ़ा फिर सरदार शौकत साहब, नासिर अजीज साहब और तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया कि आपने मेरी बातचीत को सुना जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मिसवर साहब। तो ये तो एक रियलिटी है कि पाकिस्तान में जो डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, ये फौज की डोमेन है तो उसमें वो किसी को जाने नहीं देते, इसमें तो क्लियर है। और फिर जो उनके फाउंडिंग फादर थे तो जब वो बीमार हुए तो उनकी एम्बुलेंस भी रास्ते में ख़राब हो गई, उसमें ऑक्सीजन भी नहीं थी, ये सारी चीज़ें। फातिमा जिना की डेथ के बारे में भी ये है कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी वहाँ पे, तो जो सिविलियन सुप्रीमेसी है तो वो तो खैर कभी रही नहीं, चाहे वो जिना साहब का दौर था, लियाकत अली खान साहब का दौर था या कोई और दौर है। आज भी देख लें कि सिंध में से एक IG को जाके रेंजर्स रात को उठा के लेके आ जाती है, उसको कहती है कि जी यहाँ जो है ना आपने उसकी कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी के लिए जो मरियम के हस्बैंड हैं तो उसको गिरफ्तार करने के लिए अपने ऑर्डर्स जारी करो। रात को आईजी जो सूबे का सबसे बड़ा सिविलियन जो उसमें वो उनकी सूबे के अंडर आता है तो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, तो उसको उठा के लेके आ जाते हैं। वहाँ तो खैर रूल ऑफ लॉ आई नहीं, तो कश्मीर में तो उन्होंने 1947 में भी बंदूक भेजी, फिर 1998 में भी भेजी, तो वो जो कश्मीरियों की वहाँ पे जो उनको ऑटोनॉमी थी, राइट्स थे, तो वो सारे सलब होके तो हम पे उन्होंने दहशतगर्दी का और जो है ना एक्सट्रीमिज्म का लेबल चस्पा कर दिया अब हमारे चेहरों पे। तो हम तो अब उसको मिटाने के चक्कर में कि भाई हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये जो बंदूक है ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये सारे उनकी देन है, वहां से भेजते हैं, तो आप उनसे पूछें। तो मैं अब अपने नेक्स्ट स्पीकर की जानिब बढ़ता हूँ। तो मेरे नेक्स्ट स्पीकर हैं मोहतरम मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर अवामी कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस के, और ये फर्जंद हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट गुलाम मोहम्मद शाह साहब के, और ग्रैंड सन है शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के। यू हैव द फ्लोर सर, प्लीज सर अनम्यूट कीजिएगा, प्लीज अनम्यूट नहीं हुआ सर। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मेरी आवाज आ रही? जी जी प्लीज। शुक्रिया बहुत बहुत नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अपने सरदार शौकत अली साहब का, और आज हमारे साथ अपने डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब भी हैं, शायद अगर वो याद करें हमारी मुलाकात लंदन में हुई है कुछ साल पहले, हम कॉन्फ्रेंस में थे उसके बाद हमारे जितने भी स्पीकर्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो हमारे जितने भी स्पीकर्स आए, अपने सरदार साहब, अपने शौकत अली साहब, उसके बाद जफर साहब, अपने आईडी खजूरिया साहब, हमारे अशोक शर्मा जी, डॉक्टर मिसगर साहब, अब्बास भट्ट साहब, गुलाम हसन साहब, आपने बहुत खूबी से अभी तक इसको मॉडरेट किया है, और जितने भी आज स्पीकर्स यहाँ पे हैं, कोई भी गलत बात नहीं बोल रहा है, सब अपने लिहाज से अपने हिसाब से बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का मतलब मेरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद।
दोनों हमारे ममालिक हिंदुस्तान पाकिस्तान, उनको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि भाई ये जायदाद हमारी है, ये घर हमारा है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, कश्मीरी पंडित का है, हमारे लद्दाखी बौद्ध का है, करगिली का है, गुजर का, बकरवाल का, पहाड़ी का, यह गुलदस्ता एक है। और मैं किस चीज को इनकार करूं, जो भी बातें हुई हैं सच है, सही है। एक ही चीज आज हम लोग को यह देखना है, चाहे हम इस तरफ रह रहे हैं या उस तरफ रह रहे हैं, या अगर जर्मन वॉल टूट सकती है, दो कोरियाज आपस में कोशिश कर रहे हैं कि भाई वी हैव टू रीयूनाइट बिकॉज द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, हमारी एलओसी को इसको रौंदना है पूरा। आई शुड बी इन अ पोजिशन टू हैव माई लंच विद माई ब्रदर्स इन मुजफ्फराबाद, और गिलगित वाले यहां पे आ सकते हैं उसी दिन उसी रात, लद्दाख जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर तो एक मुल्क था, अब आप हम इसको चाहे आप कहें यहां हो रहा है वहां हो रहा है, इसको हम पांच रीजन में और उसको भी उसके बाद भी अब इसको हम यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करूंगा, इट्स अनएक्सेप्टेबल, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और अभी जैसे बात हुई भाई, ब्लंडर्स किससे नहीं हुई है, मैंने खुद सुना है जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बाजाबता तौर कहा कि भाई वी डिड टू ब्लंडर्स। जिस मौजू पे आप आज बात कर रहे हैं, द फर्स्ट ब्लंडर वॉज द अटैक द कबायली रेड, और दूसरा ब्लंडर था जब अली मोहम्मद बोगरा साहब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही एक्सेप्टेड यस लेट अस गो फॉर प्लेबिसिट, अली मोहम्मद बोगरा साहब ने मना कर दिया, उनको मना किया गया कि नो वी विल नॉट गो फॉर प्लेबिसिट, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने खुद तहरीर में किया है। टू ब्लंडर्स, मैसिव ब्लंडर्स कमिटेड बाय पाकिस्तान, नो डाउट अबाउट दैट, बट इक्वली टू ब्लंडर्स कमिटेड बाय इंडिया, यहां पे दो ब्लंडर हुए। फर्स्ट ब्लंडर, अरेस्ट ऑफ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इन 9th August 1953, एंड सेकंड ब्लंडर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से द हिमालयन ब्लंडर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर स्टेट को टू ब्रेक इट इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, विच इज अनएक्सेप्टेबल। मैसिव मेजॉरिटी है आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदों की, और मैं ये लफ्ज फिर इस्तेमाल करता हूं, मैसिव मेजॉरिटी, उन्होंने रिजेक्ट किया है ये फैसला कि ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। तो अब हम क्या करें, इसका एक ही रास्ता है, डायलॉग बिटवीन द फाइव, माफ कीजिएगा बीच में इतने कॉल्स आ रहे हैं ना, मुझे दबाना पड़ता है दोबारा इसको, पांच रीजन हमारे हैं। डॉक्टर शबीर चौधरी साहब भी शायद याद करेंगे, लंदन की कॉन्फ्रेंस में हमने एक पेपर दिया था, और वो पेपर दिया था प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को, क्योंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर वो थे, वो पेपर गया था, उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, और वो पेपर क्या था कि भाई हम कुछ भी करें आपस में, क्योंकि हमने कश्मीर के मामले पे जो भी अभी तक गुफ्तगुशनीद की है, इट हैज बीन डन ऑन अ बायलैटरल लेवल,
माने घर मेरा है, जायदाद मेरी है, हिंदू की मुसलमान की जैसे मैंने अभी जिक्र किया तमामों की, और मेरे बारे में आप बात कर रहे हैं। तो 70 साल यही चलता रहा, उस वक्त तो 70 साल नहीं हुए थे, उस वक्त तो शायद 60 odd कुछ या 50 odd के पास हम थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1998-2001 के साथ साथ में हमने शुरू किया था इंटर कश्मीर डिबेट्स। तो बात ये थी कि भाई आप बात कर रहे हैं यहां हमारी, तो बट देर उसमें मेरा कोई अमल दखल है ही नहीं। तो आप आपस में कर रहे हैं बायलैटरल टॉक्स, उसमें से लाहौर निकला, ताशकंद निकला, आगरा निकला, उसमें से शिमला निकला, जो कुछ भी निकला, मगर मसला जू का तू रहा। क्यों रहा? क्योंकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के लोगों का उसमें कोई अमल दखल नहीं था, इसलिए ये फेल हो गया हमेशा। सो आज हम एक दूसरी, लेट अस रिवर्स दिस प्रोसेस। व्हाट वाज दैट प्रोसेस व्हिच वाज मेंशन्ड? कि हम जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप को पहले ना पकड़े, क्योंकि दोनों हमारे सामने में, उनको गर्दन से पकड़ने की बात है। किसी ने कम गलती की है, किसी ने ज्यादा गलती की है, क्योंकि इतने स्पीकर्स ने जो भी बात कही, मैंने कहा कि मैं एक एक पॉइंट के साथ एग्रीमेंट करता हूं इस बारे में, मगर मेरी अब यह राय वो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। हमने तब कहा था, आज हम दोबारा फिर कहेंगे, क्या आपने 70 साल किया जो किया, ठीक है, नहीं चला बात। वी आर टुडे अगेन, दो तीन और तो हो चुके। अब यहां से चूंकि अक्साई चीन की साइड से, लद्दाख की साइड से अब चाइना आ गया है आपकी 5 अगस्त के डिसीजन के बाद, तो एंड दिस इज, जैसे खजूरिया साहब ने कहा, इट इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। गोला यहां वहां से जाए, इधर आए, यहां से जाए, वहां आए, लद्दाख की तरफ आए या लद्दाख से उधर की तरफ आए, मेरे घर पे पड़ता है। इट इज ऑन माई टेरिटरी, ऑन माई प्रॉपर्टी। आप मेरे घर को उड़ा रहे हैं, चाहे इन 5 जगहों, इन 5 खेतों पर, कहीं पर भी हो। इट इज माई होम फर्स्ट, देन एनीबडी एल्स। ये चीज समझनी चाहिए हमारे अरबाब इक्तदार को। इसमें कोई डिसेंट नहीं है, इसमें मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर नहीं रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत बात कर रहा हूं। तो हमने जब सजेशन दी थी ये कि अब हम बैठेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई आप सीधा ही हिंदुस्तान को पकड़ते हैं, कुछ लोग सीधा पाकिस्तान को पकड़ते हैं, नहीं, पहले हमारा अपना अंदरूनी मामला है। कश्मीर का बंदा, उसको जम्मू के साथ प्रॉब्लम है, जम्मू को कश्मीर के साथ प्रॉब्लम है, लद्दाखी को, मेरे लद्दाखी भाई को, दोनों जम्मू और कश्मीर के साथ प्रॉब्लम है। उसी तरह आप पार की तरफ जाएं, वहां पर प्रॉब्लम है, गिलगित बल्तिस्तान में प्रॉब्लम है, तो मुजफ्फराबाद में प्रॉब्लम है। सो पहले जो हम बेसिक सफरर्स ऑफ दिस डिस्प्यूट, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा is the principal sufferer of this dispute. He is the number one, जो इसका ये क्या क्या कहते हैं, हिस्सेदार है, पहला फरीक वो है। तो जब हम पहले फरीकों में, हम आपस में 5 खितों के लोग हैं, हमारे में वो इशू अभी सेटल नहीं हुए हैं कि क्या मांग रहा है कौन। So better is first that we sit down amongst ourselves. और हमने प्रपोज किया था, मेरे वालिद ने, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, स्टेट पीपल्स कन्वेंशन की तरज पर, जो शेख साहब ने कोशिश की थी करने की और की थी यहां पर, जब जिसमें जयप्रकाश नारायण जी भी आए थे इन द 60s, उसके तरज पर वी हैव अ 5 रीजन समिट बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान एंड मुजफ्फराबाद। ये आपस में तय करेंगे कि भैया नाउ वी आर, आज 50 साल, अब तो 70 साल में आ गए, 70 साल हो गए इसी तरह हमें, क्या आइंदा क्या करना है आपको, व्हाट हैव वी टू डू विद अवर फ्यूचर जनरेशंस।
वी हैव टू सिट डाउन, हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी. जब हम आपस में मुत्तफिक हो जाते हैं एंड एज द प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ दिस डिस्प्यूट, पांच जगहों पर हम बैठेंगे और पांच जगहों पर हम एटलीस्ट 2-3 दिन तक ये डिबेट्स चलेंगी, जिसमें पॉलिटिकल लोग होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, जो भी एक हमारा डायस्पोरा मनाता है, जो हमारे बाहर के लोग हैं, उनको इजाजत दी जाए यहां पर. ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज हमने की थी, मगर अरबाबी इख्तदार ने फाइनल स्टेजेस पर नहीं होने दी, नहीं मिलने दिया हमको. हमने थ्री टाइम्स, क्योंकि मैं चेयरमैन था उसका कमिटी का, 3 दफा हमने कोशिश की, नहीं तो हम लोग मिलते हैं. कश्मीर पे हर तरह का डायलॉग चलता है, यहां लोग आते हैं, यहां से बाहर जाते थे जब पीपल टू पीपल डायलॉग चलता था. भीम सिंह जी ने बहुत 2-3 बार ये अच्छे प्रोग्राम किए, मगर उनमें क्या होता था, हम ज्यादा से ज्यादा 1 दिन मिलते थे. सो 1 दिन में या नेक्स्ट डे थोड़ा उसका फॉलो अप होता था, चाहे हम लंदन में मिले, लंदन में हम 2 दिन मिले जब नजीर गिलानी साहब ने किया, जिसमें मरहूम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब भी थी, डॉक्टर फारूक साहब थे, मैं था, कश्मीर से बहुत लोग थे, आपकी तरफ से बहुत लोग थे, उधर से बाहर से कनाडा वगैरह से बहुत लोग थे, अपने सरदार साहब भी थे शायद, मैं शौकत अली साहब से वो भी थे. तो मगर हम मिलते थे, 60 साल का मामला उस वक्त था शायद, अराउंड 70 इयर्स, 50 के आसपास, उस वक्त की डेट की मैं बात कर रहा हूं. इतना पेचीदा मामला, 5 रीजन की बात, चंद घंटों में कैसे हल होगा, नॉट पॉसिबल. तो हमारी तजवीज ये थी कि हर एक जगह पर, हर एक एरिया में, लद्दाख में, जम्मू में, श्रीनगर में, अपने गिलगित एरिया साइड में और मुजफ्फराबाद में, मिनिमम 4 दिन चलेगी ये कॉन्फ्रेंस. उसको हमने बड़े प्रोफेशनली किया था कि भाई ये करीब 200 घंटा चलेगी, पर 150-200 आवर्स, इट विल डिस्कस ईच एंड एवरी एरिया. और उसके बाद अगर ये हम सक्सेसफुल होते हैं, और हमको सक्सेसफुल होने दिया जाएगा, तब जाकर. और इसमें एक बात और बहुत अहम है जो नोट करने लायक है, कि इसमें जो भी हमारे मंदबीन होंगे, जो भी हमारे इनवाइटीज होंगे, जो हिंदुस्तान की तरफ से ताल्लुक रखते हो, पाकिस्तान की तरफ से ताल्लुक रखते हो, दे विल बी हैविंग द स्टेटस ऑफ ओनली ऑब्जर्वर्स, क्योंकि उन्होंने पिछले 60 साल या 70 साल, दे हैव टॉक्ड अबाउट अस एंड वी हैव बीन लिसनिंग क्वाइटली. टुडे वी विल बी टॉकिंग एंड दे विल लिसन टू अस क्वाइटली. ये उसका मामला था. और उसके बाद जो भी मुत्तफिका राय पर, इसमें मेरे ख्याल से शाह साहब डिस्कनेक्ट हो गए, तो फिर वो जब वापस ज्वाइन होंगे तो फिर उनको वापस मौका दिया जाएगा. तो मैं इसके बाद अपने नेक्स्ट स्पीकर की जानिब बढ़ता हूँ. जुनेद कुरैशी साहब हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज. इनका थिंक टैंक है जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के हवाले से जो है ना रिसर्च वर्क करते हैं, और उसके हवाले से सेमिनार, ब्रीफिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करवाते हैं. यू हैव द फ्लोर सर प्लीज. जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी प्लीज. शुक्रिया नासिर साहब, आपने मुझे हमेशा की तरह सबसे मुश्किल काम ये दिया है कि ऑलमोस्ट लास्ट स्पीकर के तौर. ये मुजफ्फर साहब वापस आ गया, मेरे ख्याल में इनको पहले आप दे दें. ठहरे, मैं
शाह साहब आप कंटिन्यू करें प्लीज, माइक ऑन करें, अनम्यूट कीजिएगा सर। जी जी नो ओके सर, प्लीज कैरी ऑन। सॉरी जुनैद साहब, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। नो प्रॉब्लम सर, कैरी ऑन। जी जी आप बात करें। जी हाँ, तो मैं कह रहा था उसमें जो मुस्वदा पे बनाया जाएगा, दैट विल बी द रिकमेंडेशन टू बोथ द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कि व्हाट शुड बी द फाइनल आउटकम ऑफ द कश्मीर इशू। ये हमारी रिकमेंडेशन थी और मैं आज ये तजवीज दोबारा पेश कर रहा हूं दैट फाइव प्लेसेस यू शुड अलाउ अस टू मीट, और जितने भी लोग हमारे डायस्पोरा के बाहर हैं उनको इजाजत दीजिए इन 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 कॉन्फ्रेंसों में शमूलियत करने की, चाहे लंदन में है, कनाडा में है, क्या कहते हैं आपके यूएस में है, जहां कभी कहीं। That is the way to go forward about it. ये एक एक तरीका हो सकता है। मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा, मगर इतना ही ये कहूंगा कि जो अभी इस वक्त सूरत हाल है वो नहायत ही संगीन है जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के लिए, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी, क्योंकि वी आर एट द हम कगार पे खड़े हैं दोबारा। आज एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है हमारे दोनों मुल्कों को, हिंदुस्तान को भी, पाकिस्तान को भी, और आज तो चाइना भी सामने आ गया है। एक हिस्सा मेरी बॉडी का चाइना के पास है, एक हिस्सा मेरी बॉडी का पाकिस्तान के पास है, एक हिस्सा मेरी बॉडी का हिंदुस्तान के पास है। तो जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है वो करे तो करे क्या। तो इसलिए बिला मजहब मिलत रंगो नसल, ये हमको आपस में फैसला करने का पड़ेगा कि नहीं, जम्मू कश्मीर इज अ प्लूरिस्टिक सोसाइटी and it has to remain one, it cannot be broken into pieces. aur humko aapas mein ye khol de ye sare border wagera kyun nahi khul sakte, kyun main apne logon ko roz marwate jaun, why? ye unfinished task hai, is task ko khatam karna hai. और मैं आपके, अपने नासिर साहब के, अपने शौकत साहब के, आप सबका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप ऐसे एक ये प्लेटफॉर्म आपने खड़ा किया हुआ है, और मैं दोनों ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, मैं दरखास्त करता हूं आपकी कॉन्फ्रेंस के थ्रू, क्योंकि मुझे पता है कि ये आज की डिबेट जो है ये बहुत लोग देख रहे होंगे, बहुत लोग एजेंसीज के देख रहे होंगे आर पार। मैं उनसे भी यही कहता हूं कि भाई ये आवाज हमारे जो स्टेट है, ये स्टेट कोई मामूली स्टेट नहीं है, इसकी एक 5000 साल की पुरानी परंपरा है। दिस वॉज अ कंट्री, और आज हम आस्ते 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 आप इसको म्युनिसिपैलिटीज के म्युनिसिपैलिटीज में तब्दील कर रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। और एक हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि हम अपने मुल्क के बजट का मोर देन 70% ऑफ द 60% ऑफ द बजट इज फॉर डिफेंस, फॉर वॉट, फॉर कश्मीर। अगर वही हम हमारे दोनों ममालिक पे खर्चा करें तो वील बी वन ऑफ द बेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। सो इस चीज को दुरुस्त करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर हैज इट इज वन एंटिटी, ये हमारा मानना है। इट कैनॉट बी ब्रोकन इंटू पीसेज एंड ब्रोकन इंटू म्युनिसिपैलिटीज एंड प्रिंसिपैलिटीज। इंशाल्लाह आइंदा भी आप इस तरह करते रहिए, हम लोग भी कोशिश करेंगे और ज्यादा इसको बढ़ाने की, फैलाने की, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आई एम श्योर गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन ऑल ऑफ अस, और ये जो चल रहा है ये किस्सा, इस पर बाज़ाब्ता तौर फुल फ्लेज्ड प्लान हैज टू बी पुट बिफोर बोथ द कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आई डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद चाइना, गॉड नोस। क्या लद्दाख में क्या कल होगा, क्या करगिल में कल होगा, वहां के बाशिंदे भी बहुत ही परेशानी के हालत में है आज। So, मैं इसी के साथ अपनी जो मैंने मुख्तसर तजवीज दी और बाकी जो पैनलिस्ट थे उनकी बात से मुतफिक हूं। हाँ, एक चीज में, चूंकि हमारे डॉक्टर मिसगर साहब ने एक बहुत ही शानदार बात कही और मुझे उस चीज का थोड़ा सा इल्म है कि जब के एच कुर्शीद साहब
मेरे मरहूम नाना शेर कश्मीर के साथ मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे थे गाड़ी में, तो ये बात सही है, वो कश्मीरी में बात कर रहे थे। और मैंने ये भी सुना है वो बात क्या कर रहे थे, क्योंकि हमारे मौलवी यूसुफ शाह साहब जो थे, शेर कश्मीर ने उनसे वादा किया पाकिस्तान की सरजमीन पे आते ही कि आपको मेरे साथ वापस मैं ले जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने दरखास्त की कि मैं मरना चाहता हूं कश्मीर में। और उन्होंने इंतजाम किया था, उन्हें उस टाइम पंडित नेहरू जी का देहांत नहीं हुआ था, और यह फैसला किया गया था कि उनको वो साथ ले जा रहे हैं श्रीनगर वापस। ये बात चल रही थी गाड़ी में, मैंने ये भी सुना है अपने अपने पुरखों से, बुजुर्गों से। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं, होती रहती हैं। अल्लाह करे कि हिंदू मुसलमान सिख इतिहाद जो 1947 में भी नारा था, आज भी वो नारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें उम्मीद है कि कश्मीर के मामले को अच्छी तरह सुलझाया जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद जो उसका प्रिंसिपल सफरर्स हैं, ऑन देयर रिकमेंडेशंस इट कैन बी टैकल्ड। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हम लोग आपस में, मैं उम्मीद रखता हूं कि सुबह श्रीनगर में है और दोपहर में मुजफ्फराबाद और शाम को वापस, और वहां के लोग भी सीधा कलगिल लेह तक चले जाएं, जम्मू तक चले जाएं, जम्मू से उधर आगे चले जाएं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू मुजफ्फर शाह साहब। जिस तरह आपने सजेशंस दी, बिल्कुल हम अग्री करते हैं कि जो सारे खित्ते हैं, पांचों खित्ते, उसके लोगों को मिल बैठ के बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए कि किस तरह हम वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। फिर ये है कि बहुत सारी कौमों पे बड़े बड़े बुरे वक्त भी आए जब उनकी जो एक तरह की शनाख्त ही मिट गई थी। इजराइल हो गया, पोलैंड हो गया, वहां से फिर डायस्पोरा ने रोल अदा किया, वहां के लोगों ने जो है ना इनिशिएटिव लिया, तो फिर आज वो दोबारा से दुनिया के नक्शे पे हैं और अपना बड़ा भरपूर रोल प्ले कर रहे हैं। जर्मनी की मिसाल आपने दी, ये जो जबरी तकसीम होती है, ये लाइनें होती हैं, और जो ऑक्युपायर्स होते हैं तो वो हमेशा डिस्करेज करते रहते हैं कि आज़ादी का उसूल तो मुमकिन ही नहीं है, जो हो गया तो अंडू हो ही नहीं सकता है। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें डू हुई, फिर अंडू हुई और फिर अंडू हुई, बहुत ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री से हमें लेसन सीखने चाहिए। और जो आपने इंट्रा कश्मीर कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से बात की, तो वो आईका के प्लेटफॉर्म से हुआ करती थी, ब्रसल्स में भी हुई, यूके में भी हुई, कनाडा में भी हुई, यहाँ जिनीवा में हुई। तो सरदार शौकत अली कश्मीर साहब जो है ना, उस अलायंस के सेक्रेटरी जनरल थे, बड़ा एक्टिव रोल इन्होंने उस सारे प्रोसेस में प्ले किया है। तो इसके बाद में जो है ना अपने नेक्स्ट स्पीकर जनाब जुनेद कुरैशी साहब, उन्होंने थोड़ा सा शिकवा भी किया कि आखिर में तो आप हैं सर थिंक टैंक, तो थिंक टैंक्स के पास जो है ना सजेशंस होती हैं क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो इसीलिए हम आखिर में आपको रखते हैं कि आप सजेशंस दें अच्छी अच्छी, तो उसको हम फॉलो करें। You have the floor, please. देखिए, अब आप कुछ भी कह ले, मैं तो ये समझता हूँ ये वैली वालों के खिलाफ साजिश है, दोनों वैली वालों को आपने आखिर में ही रखा। सर इस तरह की साजिश हम करते रहेंगे, आपको भुगतनी पड़ेंगे, आप प्लीज। अब इस पे ज्यादा क्या कह सकते हैं, लेकिन चले, मतलब सारों ने जो बात की है मैं उन सबसे इत्तफाक करता हूँ, और कुछ ज्यादा मेरे पास कहने को आखिर में रहा नहीं। शाह साहब बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस की लंदन में, पता नहीं इनको याद होगा कि नहीं, लेकिन मैं उस वक्त काफी छोटा था, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। तो इन्हीं कॉन्फ्रेंसों से, और ये बात इनकी सही है, मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, आई थिंक ये 2001 की बात है कि 2000 की बात थी, तो दैट इज 20 इयर्स अगो, तो मैं आई वाज 18 इयर्स, 2005 की बात थी लंदन में, 2002 में, पांच में, अच्छा, तो मतलब 15 years ago, so I was in my early 20s, but हाँ, इन कॉन्फ्रेंसों में जाके और इन कॉन्फ्रेंसों में मिल बैठ के और एक दूसरे से बात करके मैंने कम से कम बहुत कुछ सीखा। और क्योंकि मैं काफी छोटा था, तो मुझे याद है कि मैंने एक बड़े आदमी थे वहां पर जो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे थे, तो शायद आप ये कह सकते हैं नाइविटी में ही सही,
लेकिन थोड़ा माइंडसेट का मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा देखें यहाँ पर वैली के लोग भी हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग भी हैं, गिलगित के लोग भी हैं, तो क्या इस कश्मीर का कोई फैसला हो जाएगा दो चार दिन के बाद? तो उन्होंने मुझे कहा कि आराम करो, यहाँ पर इन सब से सीखो, ये दो तीन दिन में कोई फैसला होने वाला नहीं है, इस तरह की मतलब दसों कॉन्फ्रेंसेस जब होंगी, हम एक दूसरे से मिलेंगे, तो तब जाके कोई हल इसका निकलेगा। तो शाह साहब की बात उसमें बिल्कुल सही है। 22 अक्टूबर के लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि देखें इस पे तो बहस हो सकती है कि 22 अक्टूबर अगर ना हुआ होता तो 27 अक्टूबर होता कि नहीं होता, 5 अगस्त होता कि नहीं होता, इस पे तो एक बहस हो सकती है। महाराजा इंक्लाइंड था इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए, क्या उस वक्त की पावर्स जो हैं वो इसको अलाउ करती कि नहीं करती? लेकिन एक चीज पे तो हम इत्तफाक कर सकते हैं कि ये तो स्पेकुलेशन है कि ये चीजें होती कि नहीं होती, लेकिन एक चीज जरूर होती, हम डिवाइडेड ना होते। ये बात तो बिल्कुल ही सेट इन स्टोन है कि चाहे हम आजाद मुल्क रहते, हिंदुस्तान के साथ जाते, पाकिस्तान के साथ जाते या रूस के साथ चले जाते, लेकिन हम इकट्ठे होते, हम इस तरीके से बिखरे हुए ना होते। जहां आज हम बात करते हैं यूनिटी की, ये यूनिटी हमें उस वक्त ये यूनिटी की बहस ना हो रही होती। और जहां तक 22 अक्टूबर की बात है, कुछ बातें मैंने सुनी, मैं मतलब फिर मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को है नहीं क्योंकि सब ने इस पे बात कर ली है, एक ही टॉपिक है, आप कितनी मुख्तलिफ तरीकों से इसको एनालाइज करेंगे। बट 22 अक्टूबर के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि देखें कुछ मैंने सुना था कि ये कहा गया था कि ये कबाइलियों का हमला था और इसमें स्टेट का कोई हिस्सेदारी नहीं थी। एक चीज आपको, कुछ चीजें मैं कोट करूंगा, जब 12 अगस्त को जब स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट की ऑफर दी गई थी तो पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया था, हिंदुस्तान ने उसको रिजेक्ट नहीं किया था। हिंदुस्तान ने ये कहा था कि आप कोई मिनिस्ट्रियल लेवल का ऑफिसर भेज दें, इस पे हम मजीद गुफ्तगू करना चाहते हैं। लेकिन जो 12 अगस्त के बाद 12 दिनों में 24 अगस्त को ही एक टेलीग्राम भेजा गया है महाराजा हरि सिंह को पाकिस्तान के जानिब से, जिसमें वो ये कहते हैं कि द टाइम हैज कम फॉर महाराजा ऑफ कश्मीर दैट ही मस्ट टेक हिज चॉइस एंड चूज पाकिस्तान। Should Kashmir fail to join Pakistan, the gravest possible trouble will inevitably ensue. So, design जो था वो 24 अगस्त को ही सामने आ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, मेजर जनरल अकबर खान की बहुत सी बातें हुई हैं। मेजर जनरल अकबर खान ने अपनी किताब में ये लिखा है कि कश्मीर की एक्सेशन पाकिस्तान के लिए कोई डिजायरेबिलिटी का मामला नहीं था, ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी थी इसकी एग्जिस्टेंस के लिए, कश्मीर का पाकिस्तान में शामिल होना। अब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, जब ऑपरेशन गुलमर्ग की जो बात हुई है, ऑपरेशन गुलमर्ग कोई अक्टूबर में प्लान नहीं हुई है, ऑपरेशन गुलमर्ग 20 अगस्त 1947 को प्लान होती है, विद इन 6 days ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस। और देखिए जो लोग ये कहते हैं कि जी इसमें आर्मी शामिल नहीं थी, हमें ये समझने की जरूरत है कि आज ऐसा क्यों है कि आर्मी का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कश्मीर में है। उसके लिए जब हम ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन पे जाएंगे तो हमें ये नजर आएगा कि आर्मी को एक, पाकिस्तान को एक डिसप्रोपोर्शनेट शेयर आर्म्ड फोर्सेस का मिला इन कंपेरिजन टू इट्स लैंड एंड अदर रिसोर्सेस। पाकिस्तान का जो लैंड था अराउंड 15-14% ऑफ ब्रिटिश इंडिया था, जो आज का पाकिस्तान है, बट पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस थी वो 33% अराउंड 33% ऑफ दी ऑफ उस वक्त की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसका हिस्सा उनको मिला। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई मतलब बिल्कुल ही किसी किस्म का मतलब वो छोटा बच्चा था जिसके पास कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं था, ये बात सच नहीं है। वो आर्मी एक इंस्टीट्यूशन थी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी थी, और वो प्रोपोर्शन उनको मिला था डिसप्रोपोर्शनेट टू इट्स लैंड। आप शुजा नवाज साहब पाकिस्तानी डिस्टिंग्विश फेलो हैं साउथ एशिया सेंटर के अटलांटिक काउंसिल के वॉशिंगटन में, और वो ही उन्होंने एक लिस्ट बनाई है, आपको चाहिए होगा मैं उनका लिंक भेज दूंगा। उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है कि 22 पश्तून ट्राइब
22 पश्तून ट्राइब कश्मीर की 22 अक्टूबर की इन्वेजन में शामिल थे और इनकी रिक्रूटमेंट डिप्टी कमिश्नर्स और पॉलिटिकल एजेंट्स जो उस वक्त के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के थे उनके जेरे इंतजाम थी। और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के जो ब्रिगेड कमांडर्स थे वो इनको आर्म्स और एम्यूनिशन देते थे और पाकिस्तानी आर्मी एक पठान मेजर, एक कैप्टन और 10 जीसीओस हर ट्राइब के लश्कर के अबव इन ऑर्डर टू सुपरवाइज देम रखते थे। और ये पूरी फौज कमांड होती थी जनरल अकबर खान के अंडर, जिनको जनरल तारिक भी कहते थे, और इनके असिस्टेंट जो थे वो ब्रिगेडियर शेर खान थे। अब इसमें एक मिसफर साहब ने बोला था सरदार शौकत हयात खान की बात हुई थी। सरदार शौकत हयात खान तो ही वाज द बेसिक पर्सन जिसने ये प्लान किया, फाइनेंस किया, बहुत ही प्रोमिनेंट इसमें ये थे। और ये अपनी किताब में द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल पेज नंबर 278 पे ये लिखते हैं, ये अक्नॉलेज करते हैं कि ये सुपरवाइजर थे कश्मीर ऑपरेशन की इन्वेजन के। और ये आगे ये भी लिखते हैं, ये कहते हैं कि मैं कश्मीर नहीं गया क्योंकि हमने इंटरनेशनल लेवल पे ये एक आइडिया बरकरार रखना चाहते थे कि ये सिर्फ ट्राइबल्स इन्वॉल्व्ड है और इसमें कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल या पाकिस्तानी आर्मी का आदमी इन्वॉल्व नहीं है। ये भी कहते हैं कि उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद साहब ने 3 लाख रुपया उस वक्त का इस ऑपरेशन के लिए दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरदार शौकत हयात खान साहब जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बहुत ही क्लोज थे, मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े लीडर थे, अपनी किताब में खुद लिखते हैं। तो ये कहना कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिबेलियन हो गई और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के मैसूद और अफरीदी ट्राइब्स को कश्मीर के मुसलमानों का ख्याल आ गया, आज के जमाने में हम इंटरनेट पे बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुसलमान मैसूद और अफरीदी ट्राइब्स को क्या पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस वक्त के जमाने में तो जम्मू वाले को ये नहीं पता था कि भदरवा में क्या हो रहा है, या दिल्ली वाले को ये नहीं पता था कि आज के गुड़गांव में क्या हो रहा है। मतलब ये बातें हैं। और इस पे जब हम थोड़ा बहुत आगे चलेंगे और यहीं पर जब मुसलमानों की जब बात आती है, ये कहा जाता है कि ये मैसूद और अफरीदी ट्राइब्स ने मुसलमानों के प्यार में और उनकी मोहब्बत में आके उन्होंने कश्मीर में उनका दिफा करने की कोशिश की। जाहिद चौधरी साहब हैं, इन्होंने 12 वॉल्यूम की एक किताब लिखी है पाकिस्तान की सियासी तारीख, और इसमें ये मतलब ये फिर से एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि तीन दिन तक मुजफ्फराबाद में इन्होंने लूट, प्लंडर, रेप और किडनैपिंग की, और सिर्फ मुजफ्फराबाद शहर में इन्होंने 4,500 से लेके 5,000 लोग मारे और 1,600 औरतों को किडनैप किया। और ये मुजफ्फराबाद के ख्वाजा अब्दुल समद खान साहब हैं जो आई विटनेस हैं, वो ये लिखते हैं कि इनका जो हमला था मुजफ्फराबाद पे, इसने पूरे तरीके से मुजफ्फराबाद को नेस्तो नाबूद कर दिया था, मुसलमान और हिंदुओं के घर लूटे गए थे, इनकी दुकानों को आग लगाया गया था और मस्जिद और मंदिर दोनों की बेहुर्मती हुई थी मुजफ्फराबाद शहर में। क्योंकि हम ज्यादातर बारामूला की तरफ जाते हैं, लेकिन ये आए तो मुजफ्फराबाद से थे ना, तो सबसे पहला जो इन्होंने कत्लो गैरत स्टार्ट की वो तो मुजफ्फराबाद में थी। और अगर ये कहते हैं कि हम जम्मू के मुसलमानों की मदद करने गए थे, तो फिर मुजफ्फराबाद से तो रास्ता ही नहीं बनता इनका, मुजफ्फराबाद से आने की जरूरत ही नहीं बनती थी। और फिर मुजफ्फराबाद में 1600 औरतों को अगवा करने की क्या जरूरत पड़ी इनको, 5,000 लोग मारने की क्या जरूरत पड़ी इनको 3 दिनों में। अब थोड़ा सा आगे जाके आप, मुझे नहीं पता, लेकिन एक मिल हिल मिशन के रेवरेंस फादर शैंक्स हैं उस वक्त के बारामूला में, ये प्रिंसिपल थे सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज के,
और इन्होंने एक 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 किताब में ये लिखा है और ये एक बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से ये बताते हैं कि किस तरीके से लोग मरे गए और हर मजहब के लोग मरे गए। ये कहते हैं कि ये जो आए थे ये बहुत बड़े वाइल्ड काले जानवर थे जो गोलियां मार रहे थे और एक इंडियन हिंदू नर्स ने एक मुसलमान औरत को दिफा करने की कोशिश की। पहले उस हिंदू औरत को गोली मारी गई, फिर उस मुसलमान औरत को गोली मारी गई, फिर उसके बाद जो इस चर्च, ये जो चर्च का डिग्री कॉलेज था, यहाँ पर जो नंस थी इनको गोली मारी गई, इनको रेप किया गया, इनके ये जो बालियां पहनती थी ये बालियों समेत इनके कान खींचे गए, लूट और प्लंडर। और ये एक इनके जो फिर जब इन्होंने जो बारामूला में जो मोरा पावर स्टेशन था इसको तबाह किया, और सिर्फ बारामूला में इतने दिनों में तीन मतलब ढाई से तीन दिनों में इन्होंने 15,000 से 15,500 लोग मारे। और यहां पर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इनिशियल हिंदुस्तान ने इनिशियल दिफा कश्मीर का इन लोगों के खिलाफ, इस इन्वेजन के खिलाफ इनिशियल दिफा कश्मीरियों ने किया। हिंदुस्तान 27 अक्टूबर को पिक्चर में आया और वो भी शाल टैंक में आता है। बारामूला में जो कत्लो गैरत हो रही थी उसमें तो हिंदुस्तानी था, शौकत साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बोला कि मकबूल शेरवानी था, मकबूल शेरवानी के अलावा बहुत से एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे। शेख अब्दुल्ला ने तो अपने जितने भी उनके पास रिसोर्स थे छोटी सी आर्मी क्रिएट की थी जिसमें बहुत सी औरतें भी थी, और ये जम्मू में भी थी ये छोटी सी आर्मी जो उन्होंने क्रिएट की थी इनसे लड़ने के लिए। तो अब आगे चल के सबसे बड़ा जो जो धचका इस इन्वेजन से लगा है, एक तो डिवीजन की बात है, दूसरी जो सबसे जरूरी बात यह है वो है हमारी जो एक प्लूरलिस्टिक कल्चर था, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी। आज भी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि आज ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, और कश्मीरी देखें, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी या कोई और ये बात करे, लेकिन कश्मीरी जो उन लोगों को जिन्होंने इस इन्वेजन के खिलाफ लड़ा था, आज उनको गद्दार का खिताब देने के लिए तैयार है, आज उनको गद्दार बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि आज ये लोग, अगर कश्मीरी उस वक्त खड़ा ना होते, अगर उस वक्त के मकबूल शेरवानी, शेख अब्दुल्ला और कश्मीर की सेक्युलर फोर्सेस अगर आज उस वक्त खड़ी ना होती, तो आज पूरे कश्मीर की हालत वो होती। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर की हालत क्या होती, जो अभी पहले कहा गया कि नवाज शरीफ के साथ क्या हो रहा है, या डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ क्या हुआ, या जुल्फिकार अली भट्टू के साथ क्या हुआ, या बादशाह खान के साथ क्या हुआ, या मतलब जो पश्तून आज अपने हकूक मांग रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। वो तो अपनी मर्जी से पाकिस्तान का हिस्सा बने थे बहुत से ये लोग। हमें तो इन्वेड करके हमें तो इलीगली अनेक्स करने की कोशिश की गई। तो कहने का मतलब ये है कि इस पे बहस हो सकती है कि आज की सूरत हाल क्या बनती, लेकिन कम से कम हम इकट्ठे होते और हमारे सामने सबसे बड़ा जो जो चैलेंज है वो इस वक्त ये ना होता कि हम एक दूसरे से बात क्या करें। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इसमें कश्मीरियों की भी बहुत गलतियां होंगी, या हम स्टेट सब्जेक्ट्स J&K के जो लोग हैं इनकी भी बहुत गलतियां होंगी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो इंटरनेट है ये मास यूजेज में कोई पिछले 15 साल से आया है। उससे पहले हमें ये जो लकीर है, ये जो बीच में ये जो LOC खींच दी गई, इसने हमें सबसे ज्यादा डिवाइड करके रखा है। आज हम एक दूसरे के साथ इंटरनेट पे जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन हम में जो दूरियां पैदा हुई हैं वो बुनियादी तौर पे हमारी अपनी क्रिएटेड नहीं है, वो क्रिएटेड हैं मुल्कों ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो लकीरें खींची हैं और हमें डिवाइड किया है। और आज ये बहुत आसान है ये कहना कि कश्मीरी ये जानता नहीं है कि वो क्या चाहता है। कश्मीरी को मिलने कब दिया आपने,
कश्मीरी को एक दूसरे से बात करने कब दी, कश्मीरी को अलग तो इस इन एलओसी ने खींचा और दोनों मुल्कों की देखें पार्लियामेंट में वो क्या रेजोल्यूशन पास करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट आपस में जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, आपस में तो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसमें तो ये जो लकीर बीच में खींच दी गई है इसको तो हर जगह एक्नॉलेज किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि हमें मतलब इन नए जो मीडियम्स हैं इसके इसका इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ, बिल्कुल मुजफ्फर शाह साहब ने अच्छी बात की, एक कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है, बट उसके साथ साथ सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने यह है कि हमें अपनी नई नस्ल को ये बताने की जरूरत है कि हिस्ट्री क्या है, तारीख कहाँ से शुरू हुई है। बहुत से कश्मीरी आज भी ये समझते हैं कि ये मैसूद और अफरीदी आए थे जम्मू में मुसलमानों की मदद करने के लिए। पहली बात यह है कि जम्मू के जो रायट्स थे दे वर नो डिफरेंट फ्रॉम द रायट्स विच वर हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया। जो सिख यहां से हिंदुस्तान से जाते थे पाकिस्तान उनको भी कत्ल किया गया, उनको भी मारा गया, उनकी औरतों का भी रेप किया गया, और वहां से जो मुसलमान आते थे ये एक पागलपन का दौर था जिसमें एक दूसरे को जानवरों की तरह कत्ल किया जाता था। इसमें अब ये कहना कि जम्मू में स्पेसिफिक मुसलमानों को टारगेट किया गया, ये पूरे पार्टीशन के दौर में ये सब हो रहा था। 10 लाख लोग मर गए पार्टीशन में, 14 एक मतलब 1.5 करोड़ लोग, 10 लाख लोग मर गए और 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। और इसमें हम अगर एक जम्मू के छोटी सी जगह को ये कहें कि मैसूद और आफरीदियों को वही आ गई थी कि यहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये टोटल गलत है। सबसे पहले कंसेंसस बिल्ड करने के लिए प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की जरूरत है, सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है और हिस्ट्री को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कुछ सोर्सेस मैंने आपको कोट किए हैं, ये सारे सोर्सेस पाकिस्तानी सोर्सेस है, और फिर ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है ये कहना कि ये गद्दार है, तो पाकिस्तानी खुद इनको गद्दार करार देते हैं। लेकिन उस मुल्क में जिस मुल्क में डॉक्टर सलाम को गद्दारी का खिताब दे के उसको बाहर फेंक दिया गया, जिस मुल्क में जुल्फिकार अली भट्टू को फांसी लगा दी गई, बेनजीर भट्टू को कत्ल कर दिया गया, और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, बलोच लीडरों को जेलों में डाल दिया गया, आज बाबा जान जो है 90 साल की सजा भुगत रहे हैं। तो लेकिन हमें ये चाहिए कि हम आपस में एक कंसेंसस ये बिल्ड करें कि हिस्ट्री क्या है, सच्चाई क्या है, उसकी बुनियाद पर फिर आगे चले, और जहां पर किसी मुल्क को पिन पॉइंट करने की जरूरत है वहां पर उनको पिन पॉइंट करें, लेकिन डिलूजनल ना हो जाए। आज अगर और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5 अगस्त से एग्री नहीं करते, उनमें से मैं भी एक हूं, और बहुत से लोग मेरे ख्याल में सारे यहां पर हैं जो उससे एग्री नहीं करते, लेकिन 5 अगस्त से एग्री ना करते हुए अगर यहां पर कोई इस बात का गलतफहमी का शिकार है कि चीन आपकी मदद करने आएगा या पाकिस्तान आपकी मदद करने आएगा या वाशिंगटन से कोई आपकी मदद करने आएगा, ट्रंप अगर हार गया तो बाइडन आके मदद करेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमें अलग किया, हमारे रिसोर्सेस को छीना, और चीन भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए आज हिंदुस्तान के साथ मतलब लद्दाख में इंट्रूजन कर रहा है और उसके साथ लड़ाई करने के मूड में है। ये कश्मीरियों के किसी प्यार मोहब्बत में नहीं है, कश्मीरियों को अपना मसला खुद सेटल करना पड़ेगा। दूसरे मुल्कों की तरफ देख के जो बुनियादी तौर पे आपकी डिविजन के जिम्मेदार है और आपकी रिसोर्सेस को लूटने की जिम्मेदार है, उन मुल्कों की तरफ देखना खुदकुशी के बराबर है। तो इसलिए हमें रियलिटी और हिस्ट्री को एक्सेप्ट करके आगे कोई कंसेंसस की बात करनी चाहिए, और जिस तरह शाह साहब ने कहा अगर इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंसेस हो, चले अगर फिजिकल ना हो सके तो वर्चुअल तो हो सकती हैं आज के जमाने में, ये करना चाहिए। और आप और शौकत साहब और UKPNP को बहुत मुबारकबाद हो कि आप लोग एक ऐसे इश्यूज पे बात कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा ला रहे हैं जो प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव इश्यूज है, और हिस्टोरिकल डिबेट्स इसमें हो रहे हैं जिसमें हम एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं, बजाय इसके कि हम किसी एक को गद्दार का लेबल लगा दें और किसी एक को मोहब वतन का लेबल लगा दें। तो शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। थैंक यू जुनेद कुरैशी साहब। तो बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया कि ये जो ट्राइबल थे तो इनका तो कोई मजहबी अकीदत तो उस तरह की थी नहीं लोगों के साथ, उनको तो पता भी नहीं था कि ये एरिया कहाँ पे है।
पहली बात है ना उनकी लैंग्वेज मिलती थी हमारे साथ, ना कल्चर मिलता था उनको, कोई ऐलान भी नहीं हुआ। उनको लाया गया एक पॉलिसी के तहत के जो मूवेबल प्रॉपर्टी आप ले जाएं तो जमीन हमारी, तो बाकी जो आप जितना प्लंडर कर सकते हैं। और जब ये मुजफ्फराबाद में एंटर हुए तो इनके हाथों जो सबसे पहले इंसान ने शहादत पाई तो वो मास्टर अब्दुल अजीज थे, तो वो उनके सामने खड़े हो गए कि हम हिंदू मुस्लिम सारे जो सिख हैं, तो ये कहीं कहीं दाइयों से बल्कि सदियों से हमारे आबो अजदाद गठे रह रहे हैं, तो आप किस तरह हमें जो है ना बंदूक के जोर पे यहाँ पे तकसीम कर सकते हैं या इनको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले शहादत उन्होंने पाई, तो नो डाउट के बहुत कत्लो गारत हुई मुजफ्फराबाद में, श्रीनगर तक, बारामूला में, श्रीनगर तो नहीं पहुंच सके लेकिन बारामूला में जो उनको टफ टाइम मिला, तो वो शेख साहब की क्यादत में उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को और उसमें हर तरह के लोगों ने हिस्सा लिया वहां पे। और ये जो ट्राइबल इन्वेजन आपने कहा, जो पाकिस्तान की हालत है, वो अगर वो वहां पे कामयाब हो जाते तो शायद वो उनका डिसिप्लिन भी ना मानते तो आज हमारी फाटा वाली हालत होती, जो वजीरस्तान वाली है ना, तो वो सूरत हाल होती है हमारी। और हॉस्पिटल में ये उस किताब में जिसका आपने हवाला दिया उसमें लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल में जो मरीज मैट्रेसेस के ऊपर थे तो उनको वहां से नीचे फेंक के उनके नीचे से मैट्रेसेस लेके निकाल के गए और फिर हॉस्पिटल को आग भी लगाई। तो शौकत कश्मीरी साहब आपने मेरे ख्याल से हाथ रेस किया, आपने कुछ वो करना है या अब? हाँ शौकत साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद फ्लोर ओपन करूंगा तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो क्वेश्चन हुआ तो, या कोई उन्होंने कोई कमेंट्स करने हुए तो मोस्ट वेलकम। शौकत कश्मीरी साहब प्लीज। अब मैं ऐड नहीं करूंगा, बात यह है कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत डिबेट हुई है और बिलखसूस मुजफ्फर शाह साहब, मिसफर साहब और ख़ास करके हमारे जो एल्डर्स हैं अशोक कुमार शर्मा जी की, और उसमें भी आर पार के मुख्तलिफ कश्मीरी जो है वो और क्रॉस व्यूज़ के लोग भी मौजूद थे। तो बाद में उस ग्रुप ने, जो यूरोपियन पार्लियामेंट का सोशलिस्ट ग्रुप था, उसने कहा कि हम तो सोचते थे कि कश्मीरी जो है वो यहाँ जमा होंगे मुख्तलिफ व्यूज़ के, तो हमें पता नहीं कितनी एक सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, लेकिन हमारे लिए ये खुशगवार हैरत है कि डिफरेंट व्यूज के बावजूद लोगों ने एक दूसरे को बहुत पेशेंटली सुना और जो कंसेंसस बन के आया वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर रीयूनिफाई होनी चाहिए। ये 1993 की बात मैं आपको बता रहा हूं। आज भी चाहे कोई जम्मू से है, लद्दाख से है, या पीओके गिलगित बल्तिस्तान से, रीयूनिफिकेशन हमारा बेसिक एजेंडा होना चाहिए। लेकिन जब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं उसमें अब कॉन्फ्रेंसेस देखे, शाह साहब ने बात की, हम तो उस इन्फ्लुएंस से बाहर थे, तो हमने 3-4 कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद की, उसमें डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब, अब्बास भट्ट साहब, डॉक्टर गिलानी साहब, सब लोग हम लोगों ने चूंकि एक अलायंस बनाया था, तो लंदन में पहली कॉन्फ्रेंस हुई 2005 में, उसके बाद कनाडा मुख्तलिफ जगहों पे, और हमने तकरीबन तमाम मकतबे फिक्र के लोग, चाहे वो जम्मू से थे, लद्दाख से थे, और एक भरपूर पार्टिसिपेशन हुई और उसमें कुछ वर्किंग ग्रुप भी बने। लेकिन मसला ये है जिसको हम कश्मीरियों को सोचना चाहिए कि हमें अगर खर्च करें कि मैं आज जम्मू जाना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले इंडिया का वीजा दरकार है, और न सिर्फ इंडिया का वीजा दरकार है बल्कि फिर ये परमिशन भी चाहिए कि मैं जम्मू जा सकूं। इसी तरीके से अगर मुजफ्फर शाह साहब जो है वो मुजफ्फराबाद आना चाहें तो उनको भी एक वीजे की जरूरत है। तो ये तारीख का जबर है कि हम कश्मीरी जो है वो दो हुकूमतों के रहमो करम पे हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई अच्छी हुकूमत आ जाए तो वो हमें फैसिलिटेट करती है, और अगर कोई दूसरी हुकूमत आ जाए, अदरवाइज आ जाए, तो वो हमें इस सहूलत से जो है वो मारूम कर देती है और हमारा आपस में इंटरेक्शन नहीं हो जाता। ये वाया मीडिया वो है, इसमें जो हम डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं वाकयात के हवाले से या वाकयाती तारीख के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारा तारीख पे कंसेंसस हो जाता है जैसे, तो इसी तरीके से हम ये इन्फ्लुएंस जो है वो सारे लोगों को एक कॉन्फ्रेंस, अगर हम इसी तरह वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे
और ये अगर सिविल सोसाइटी या हम सारे लोग जो है वो एक प्रेशर मेंटेन करें, तो मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है वो डेफिनेटली मजबूर होंगे हमें फैसिलिटेट करने पे। अगर पाकिस्तान नहीं भी करेगा तो तब भी कम से कम इंडिया के अंदर मुझे उम्मीद है कि बात की जा सकती है। लेकिन हम कश्मीरियों को भी अब अपने इख्तलाफात को भी और अपने मुतालबों को भी शॉर्ट लिस्ट करके तो किस हुकूमत से क्या बात करनी है, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टेप की भी तरफ जाना चाहिए। हम बातें तारीख भी कर लेंगे, वतन के साथ अपनी कमिटमेंट भी कर लेंगे, लेकिन वे फॉरवर्ड में हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ नेगोशिएट करने के लिए भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि ताकि दूसरी बात यह है कि जो इंडिया का जो टाइटल है ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, कुछ दोस्तों ने कहा कि वो तो 5 अगस्त को उन्होंने इकदाम करके खत्म कर दिया। हम सब लोग उस 5 अगस्त के उस इकदाम के साथ हम एग्री नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हमारी रियासत एक तारीखी रियासत है और इस तारीखी रियासत की बाइफरकेशन हमें किसी तौर पर कबूल नहीं है। और 2007 में जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी रेजोल्यूशन करके तो दोनों हुकूमतों को वार्न किया था कि पार्टली आप किसी हिस्से को एनेक्स नहीं कर सकते, खास करके उस वक्त पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वो था और वो रेजोल्यूशन जो है वो मौजूद है और वो बड़ी भारी मेजोरिटी के साथ पास हुई थी, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान ने लेटर लिखा था कि गिलगित बल्तिस्तान हैज नथिंग टू डू विद स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। और तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट की रोशनी में यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये डिसीजन किया था और ये पाकिस्तान को कन्वे किया था कि नहीं, गिलगित बल्तिस्तान इज वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और कोई भी मुल्क जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से को पार्टली एनेक्स नहीं कर सकता। बहरहाल ये तो लंबी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमें जरा इस नुक्ते पे भी सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज और जो जो हुक्मरान हैं, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं, उनके साथ जो है वो कैसे नेगोशिएट करें, किस तरह का के हमें स्टेप लेने चाहिए। क्योंकि असल मसला तो ये है कि हम सफर रहे हैं, बाकी ये सवालात होते रहेंगे कि महाजन का क्या रोल था। महाजन तो उस वक्त पंजाब के जो है ना वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और पंडित काह की जो तब्दीली, उस तब्दीली के पीछे भी जो तारीखी पस मंजर था, मेरे ख्याल में मैं इस वक्त मजीद वो नहीं करूँगा क्योंकि अब वो सारे चीज़ें बहुत सारी इररेलीवेंट भी हो गई हैं। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर चूंकि महाराजा जो अपॉइंट करता था, महाराजा की ये जो अथॉरिटी थी चाहे उसको जो है मैं इस बात को तो बाय नहीं करता हूँ कि माउंटबेटन ने उनको कहा या नेहरू ने उनको कहा, असल मसला ये था कि रियासत जम्मू कश्मीर में महाराजा हमेशा डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं और डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर इसी नीयत से आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जाएं, इसीलिए गैलेक्सी कमीशन भी बना। तो बहरहाल ये तो चूंकि बहस मेरे ख्याल में जुनैद साहब ने जो सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं विद रेफरेंस ऑफ बुक, देर इज नो नीड टू मतलब के इनिशिएट अगेन डिबेट है। तो बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सारे दोस्तों का और उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट हम जो जल्दी करेंगे उसमें मजीद लोगों को वो किया जाए और उसमें हमें चाहिए कि हम चीज़ों को मुख्तसर रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और उसके बाद फिर जो जो जितने भी हमारे आइडियंस हैं उनको मौका दिया जाए कि वो कमेंट्स करें, वो सवालात उठाएं और फिर जिस जिस से सवाल करें वो सवालों का जवाब दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जुनैद कुरैशी साहब, शौकत कश्मीरी साहब। जुनैद कुरैशी साहब ने एक बात की थी बड़ी जबरदस्त किस्म की कि बाज लोग जो है ना आजकल फतवेबाजियों में लगे हुए हैं ना, जो लीडरशिप है जिनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, खुद लीडरों ने जेलें काटी, सफरर हैं, तो बाज हैं जिनके अपनी जात के अलावा कोई दूसरा इंसान भी उनके साथ नहीं है, वो भी आजकल उठ के ना सबको गद्दारी के सर्टिफिकेट, ये एक ट्रेंड बन गया है जो जिस तरह का मीडिया है जिसको वो फॉलो करते हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट है। उनको भी कम अज कम ये देखना चाहिए, थोड़ा सा हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए कि किसने क्या रोल प्ले किया है। तो आया हमारी वो कैपेसिटी है भी है, उन लोगों को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि नहीं, और फिर अदारे के सर्टिफिकेट बनना, तो ये तो फिर शौकत कश्मीरी साहब मेरे ख्याल से ये कोई पॉइंट उनका रह गया। फिर डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, डॉक्टर शफी चौधरी साहब। जी सर, आप कले देखिए, बात ये है कि ये जो फतवा बाज है ना, इनकी तो कोई तारीख के अंदर ना पहले हैसियत थी ना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि रियासत जम्मू कश्मीर और खास करके वैली के लोगों ने मुगल एम्पायर को शिकस्त दी और 100 साल तक उनकी बनाई हुई मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। और दूसरी बात यह है कि पूरे बरसगीर के जितने तरक्की पसंद थे ना, जिनको तरक्की पसंद की आज भी शुद्ध बुद्धि है लेकिन अपने आप के नाम के साथ जो है ना तरक्की पसंद भी लिखते हैं और तबकाती भी पेश करते हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इट वॉज द वैली, इट वॉज द श्रीनगर हु होस्टेड ऑल द कम्युनिस्ट, चाहे वो फैज अहमद फैज हो, चाहे वो बाचा खान हो, चाहे वो अब्दुल समद अचकजई हो, या हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो उस वक्त के नामी ग्रामी दानश्वर, ये वैली की तरक्की पसंद दी और वो सोच थी कि जहाँ सारे लोग उसको कहते थे कि ये हमारा दूसरा घर है। मैं बाचा खान का तो ये मारूफ कोटेशन था कि मेरा दूसरा घर जो है वो कश्मीर है, श्रीनगर है, और मैं जितना यहाँ आके कंफर्टेबल होता हूँ और आवाम से कम्युनिकेट करने में जितनी मुझे आसानी रहती है, इट इज अनफॉर्चुनेट कि वैली के लोगों से और खास करके रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से उनकी तरक्की पसंदी की, उनकी सेकुलरिज्म के साथ जुड़त की, उनको सजा दे रही हैं दाएं बाजों की तंग नजर मजहबी फिरका प्रस्त। सो इसके लिए हमें तारीख पे नजर जरूर रखनी चाहिए और उस रोल को हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जम्मू के वो दोस्त भी उन्हें 1947 से पहले ये रियासत जम्मू कश्मीर की शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने राइट्स की मूवमेंट, जिन्होंने फ्यूडलिज्म के खिलाफ एक तहरीक चलाई, तो उस तहरीक के असरात हैं कि आज रियासत जम्मू कश्मीर के हर बशिंदे के पास जमीन है, जो जमीन अब दोबारा हटाने के लिए जो है ना वो जो 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 लाज हैं उनमें तब्दीलियां लाई जा रही हैं। और ये भी है कि ये कोई 35A आज की नहीं, 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉ मंजूर हुआ, तो अगर उसमें कोई 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 चीज ऐसी जो असर हजरा के तकाजों के मुताबिक नहीं है तो लीडरशिप के साथ या इलेक्टेड माइंडों के साथ बात करके उसमें तरमीम की जा सकती है। उसमें अजब जैसे विमेन्स राइट्स का वो था तो सुप्रीम हाई कोर्ट जो जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उसने तो डिसीजन दे दिया कि अब जो खातून होगी उसके बच्चों को उसके शोर को भी वो जायदाद जो है वो इनहेरेंट होगी। तो सो दैट इस तरह के प्रोपोगंडों को हमें नहीं भाई करना चाहिए। और वो लोग ऐसे ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में कुछ लोग जो है वो इमरान भक्त हैं और कुछ लोग उधर मोदी भक्त हैं, जो जो किसी भी सच्ची बात पे वो सीखवा हो जाते हैं और फौरन गद्दारियों के फटपे लगाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में दोबारा मकालमे की जरूरत है, एक दूसरे के साथ बहस मुबासे की जरूरत है, और हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसकी जमहूरियत जो है वो बड़ी वायबल है। और आज भी आप ये देखिए कि उसके इदारे जो है पाकिस्तान की नस्बत कि पाकिस्तान की आज हिंदुस्तान की जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो अपने आप को विक्टिम फील करते हैं वैली के या श्रीनगर की लीडरशिप, वो भी आज भी हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे इजहार एतमाद करते हैं, उनसे उम्मीद वाबस्ता किए हुए। यहाँ तो जो है ना जिनसे हम कुछ लोग उम्मीद वाबस्ता किए हैं, यहाँ के तो इलेक्टेड 3 times elected प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ की जुडिशरी को ट्रस्ट नहीं करता, और वो बार बार कहते हैं कि बंदूक की नोक पे जो है वो इनसे फैसले लिखवाए जाते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ का मिलिट्री जनरल जो है वो किस तरह हमारे खिलाफ, और जजेस जो है ना वो खुद वादा माफ गवाह बन के खड़े होके कस्में और करान उठा के कहते हैं कि हमसे फैसले जबरदस्ती के साथ आई एस आई वाले लिखवाते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में मेरे दोस्तों को बहुत क्लियर होना चाहिए, ये जो हम नरम गोशे असल में हुकूमतों का असर है और कहीं ना कहीं हमारे दिलों के अंदर खौफ भी है, क्योंकि हमारी फैमिलीज उधर रहती हैं, हमारे दोस्त अहबाब, और फिर हमें अगर छोटा सा भी सर्टिफिकेट जो है ना बच्चे की बर्थ हो जाए तो उसका सर्टिफिकेट भी जाके तो एम्बेसी से लेना पड़ता है, और वहाँ हम ब्लैकलिस्टेड हैं, जैसे हमारे जमील मकसूद साहब को जो है वो पासपोर्ट ही नहीं रिन्यू करके दे रहे हैं, और उनकी फ्रीडम ऑफ जो मूवमेंट है वो टोटली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों पे और मैं समझता हूँ कि सारे दोस्तों को इस तरह की नाइंसाफियों के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू शौकत कश्मीरी साहब। तो डॉक्टर शबीर चौधरी साहब प्लीज। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। सबसे पहले मैं शौकत कश्मीरी साहब और नासिर अजीज साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मेहनत करके एक फूलों का गुलदस्ता जो है ना पेश किया, जबरदस्त बातें हुई हैं,
बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और सब पुराने दोस्तों को मौका मिला दोबारा देखने का। मेरी तरफ यकीन जाने की मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं चूंकि ज़्यादा बात नहीं कर सकता इसलिए मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। कुछ बातों का जवाब तो जुनैद साहब ने और शौकत कश्मीरी साहब ने दे दिया। जिन लोगों को हमारे दोस्तों को यह गलतफहमी है कि पाकिस्तान चूंकि उसको नया मुल्क था और उसकी फौज उनको शायद नए सिरे से बनानी पड़ी, मैं उनकी वजाहत के लिए कहना चाहता हूँ। ब्रिटिश इंडिया आर्मी जो थी एक हाईली प्रोफेशनल आर्मी थी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हाईली प्रोफेशनल ना होती तो इतना अरसा वो पूरे इंडिया पर कंट्रोल नहीं रख सकती थी। हाईली प्रोफेशनल थी, उसकी कुल तादाद जो है ना 410,000 थी फौज, ठीक है। उसमें से पाकिस्तान को 140,000 फौज मिली थी। आप इसको इस लिहाज से देखने की 140,000 फौज बहुत बड़ी फौज होती है। उसका कुछ हजार उन्होंने कर दिया जुनेद साहब ने कि प्रोपोर्शनली वो ज्यादा थी उसके रिसोर्सेज वगैरह के हिसाब से या खिते के हिसाब से। मतलब एक डिवीजन जो होता है वो बाज का 12,000 का भी होता है, 15 का भी होता है, और बाज का सम केसेस 20,000 का भी होता है, लेकिन आमतौर पर 15 का होता है। तो दूसरे लफ्ज में 45,000 यानी एक कोर बन जाती है, ठीक है ना। तो यानी कितने, एक कोर में 3 डिवीजन होते हैं। तो यहाँ पर 140,000 फौज ट्रेंड फुल्ली ट्रेंड प्रोफेशनल फौज थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान ये भी नहीं है कि उनको नए सिरे से जहाज बनाने पड़े या एयरपोर्ट बनाने पड़े। 20% ऑफ द एयरफोर्स जो है ना वो भी पाकिस्तान को मिली थी। 40% ऑफ नेवी जो है वो भी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। और जो टॉप जो उनके थे ना आर्मी ऑफिसर, उनमें से 500 ब्रिटिश आर्मी यानी ऑफिसर जो थे टॉप, वो भी उसको पाकिस्तान आर्मी ने रिटेन किए थे, पाकिस्तान ने रिटेन किए थे। तो ये नहीं कि वो बेजार मददगार थे, उनको पता नहीं था क्या करना क्या नहीं करना था। हाईली ट्रेंड आर्मी, वो बहुत बड़ी आर्मी, और जिनके पास प्रोफेशनल अपने लोग भी थे और मुसलमान ऑफिसर भी थे, ठीक है जी। तो यानी ये फिर ये नहीं कि अभी कुछ साहब ने कुछ लोग अभी भी कहते हैं, कुछ अरसा पहले तक मैं भी ये कहता था कि शायद कायदे आजम साहब को पता नहीं था ट्राइबल इन्वेजन का या उस हमले का। जो मैंने अपनी भी नई किताब पेश की है, पता नहीं लोगों को पढ़ने का मौका मिला या खरीदी किसी ने आया नहीं, मैं खुद आ नहीं सका देने के लिए लोगों को। अब मुसीबत ही होती है कि पहले रिसर्च करो, फिर लिखो, फिर शाया कराओ, फिर लोगों को देनी पड़ती है और फिर पढ़ते भी नहीं है। उसमें मैंने बगैर किसी शक व शुबे के ये साबित किया कि कायदे आजम खाब साहब को पता था, ठीक है ना। अब क्योंकि बहुत सी चीज़ों को कायदे आजम साहब के बारे में उनको पर्दा उनको छुपाया जाता, नहीं नहीं उनका ये कसूर नहीं है, वो कसूर नहीं है। जैसे हर बात में कहा जाता है जी नहीं इमरान को उसका कसूर नहीं है, दूसरे का कसूर है। इसी तरीके से कायदे आजम साहब को छुपाया जाता है, नहीं वो बड़े अच्छे थे वगैरह वगैरह थे, इतने अच्छे थे कि पाकिस्तान बढ़ने के बाद पहला काम उन्होंने ये किया कि इतने डेमोक्रेसी पर यकीन करते कि यानी सराद की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था उन्होंने, इतने माशाल्लाह डेमोक्रेटिक वैल्यू को यकीन करने वाले थे। अच्छा इसी तरीके से ये कहा जाता है, जो अभी किसी ने कहा है कि कुछ जनवेद साहब ने वजाहत की है, ये सितम ज़रीफ़ी है कि जिन लोगों ने यानी हमलावरों का मुकाबला किया उनके पास असला नहीं था, उनके मुकाबले में उन्होंने नहते हुए होते हुए भी मुकाबला किया, वो हमला उनको रोका, कश्मीर में दाखिल नहीं होने दिया, श्रीनगर में दाखिल नहीं होने दिया उनको। तो कल परसों भी मेरे ग्रुप में भी कहा जाता था ये वो गदार हैं, मसला ये है कि उन्होंने गदारी की थी, यानी कि उन्होंने अपने दिफा किया मुल्क का, वो गदार हैं। वो कोलैबोरेटर्स जिन्होंने हल्फ लिया था कि महाराजा का साथ देंगे, उसकी आर्मी का साथ देंगे, उसके खानदान का तहफ़ करेंगे और रियासत का तहफ़ करेंगे, साथ मिल गए तो वो हीरो बनाकर पेश किए जा रहे हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है। और अनफॉर्चुनेटली ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हैं और ये भी कहते हैं कि अकल कुल वही लोग हैं, ये हमारी सितम ज़रीफ़ी है। इसमें साथ एक बात ये भी की जा रही है, मसलन यहाँ पर भी आज किसी ने कहा जी 8,00,000 फौज है इंडिया की, वहां पर इमरान खान ने तो 9,00,000 का था। हम चूंकि प्रापिगंडे का बहुत जल्दी शिकार होते हैं, स्पेशली जो बात पाकिस्तानी टीवी कह दे ना या पाकिस्तान का कोई हुक्मरान कह दे उसको हम मान लेते हैं। यहाँ पर जब IISS में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज में एक सेमिनार हुआ जिसमें मैं भी गया था, उस क्लास में वाहिद कश्मीरी जो अभी तक जिसने बात की जाकर वहाँ पर जाकर, तो एक थे क्या नाम है उनका लेफ्टिनेंट जनरल थे रिटायर्ड इंडिया के, वो भी आए हुए थे। अच्छा तो हमारी जब प्राइवेट भी बात हुई महफिल में भी, उसने कहा जी कहा जाता है कि उसने 6,00,000 कहा था, यहाँ तो आप 8-9,00,000 की बात करते हैं। उसने कहा जी भी एनी गिवन टाइम एक कोर होती है वहां पर इंडियन आर्मी की, एक कोर में 3 डिवीजन होते हैं। अगर फर्ज किया कि उनका डिवीजन 20,000 का भी हो तो 60,000 फौज होगी, 8,00,000 कहां से आ गई है। उसने कहा कि अगर मैं 6,00,000 फौजों को कमांड कर रहा होता तो फिर तो मैं तो बहुत पावरफुल आदमी होता।
तो ये हमें प्रोपेगेंडा को देखना चाहिए कि कौन सी बात है। हम में से जितने भी लोग हैं, कितने हैं जो पाकिस्तान के प्रोग्राम देखते हैं डेली, 4-6-8 प्रोग्राम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने 2 प्रोग्राम इंडिया के भी देखे हैं? अगर आप कंपेरिजन करना चाहेंगे तो हमने कभी कोई इंडिया का अखबार पढ़ा नहीं है। जरा सी बात आ जाए कि इंडिया का, ये इंडिया का अखबार है, वो जी ये तो ये दुश्मन अखबार है, ठीक है। तो हमें इसमें से निकलना चाहिए, ये यानी फर्ज करता है हिंदुस्तान टाइम पढ़ेंगे, हिंदुस्तान टाइम काफर नहीं है, इस बात समझिए ना, उसमें हर चीज बात लिखी हुई है वो गलत नहीं होगी। तो हमें इस प्रोपेगेंडे से बाहर निकलना चाहिए। और फिर कुछ वजाहत कर दिया इन्होंने शौकत कश्मीरी साहब ने कि यानी टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड टू सेक प्राइम मिनिस्टर दैट वॉज द राइट ऑफ द रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर, इन दिस केस इट वॉज हरी सिंह, प्रेशर दाएं बाएं से आ सकते हैं, लेकिन फाइनली इट वॉज हिज डिसीजन जो भी उसने किए। आई लीव इट दैट। लेकिन मैं अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, और शाह साहब को भी देखकर उनकी बातें सुनकर बड़ा मजा आया, और दूसरे दोस्तों को भी सुना बड़ा मजा आया। सबके नाम क्या लूँ, जुनैद कुरैशी साहब एज ऑलवेज मेड अ वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, सब ने अपने अपने लिहाज से बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन किया है। और मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, प्लीज डू कैरी दिस ऑन, दिस शुड नॉट बी द लास्ट वन, लोगों को इकट्ठा करने का जो आप काम कर रहे हैं, ये इसको इग्नोर कर दें कि अगेन कौन नथु खैरा क्या कह रहा है, हमें इससे गर्व नहीं है, हमने वो काम करना जिसको हम ठीक समझते हैं। हाँ, 5 अगस्त को हमने कभी भी अप्रूव नहीं किया, ठीक है। तो वैसे मैं अगेन मैं कोशिश करूंगा नासिर अजीज साहब आप मुझे अपना एड्रेस दे दें, ताकि चूंकि जुनैद कुरैशी साहब को तो 20 बार कह चुका हूँ, 20 नहीं 10 बार जरूर कहा कि एड्रेस दें, वो नहीं देते, तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दें ताकि मैं आपके लिए और शौकत कश्मीरी के साहब के लिए अपनी नई किताब भेज दूँ, आप भी पढ़ें उसको, ठीक है जी। मैं इस पर खत्म करता हूँ, अगर मेरी कोई बात ना अखबार किसी को गुजरी हो तो मैं माजरत करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, एड्रेस मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो बाकी यह है कि किसी को क्या बात हमारी अच्छी लगती है बुरी लगती है, अगर इस चीज का हम ख्याल कर रहे होते तो घरों में बैठे होते तो शायद तारीख का ऐसा होता कि मर खपी होते, 40वां हो जाता। लेकिन यह है कि हम हमारे बस में जो है, जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम करेंगे, वो हिस्टोरिकल बुनियादों पर करते हैं, जो तारीखी मायदे उनकी रोशनी में करते हैं, और पीसफुल हमारी स्ट्रगल है। किसी को अच्छी लगती है बुरी लगती है वो उसका मसला है, वो हमारा नहीं। तो अपने राइट्स के लिए तो हम आवाज उठाते रहेंगे। जुनैद कुरैशी साहब कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, प्लीज। गुलाम हुसैन साहब, फिर मैं आपकी तरफ जी। चोरी साहब के लिए एक न्यूज़ है कि मैंने आपकी किताब ऑर्डर कर ली है, वो ऑफिस पहुंच भी गई है, तो जो ऑफिस में लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, और मैं भी उसको जल्द शुरू करूंगा। दूसरा, मैं आप लोगों को एक क्योंकि मैं भी आप इस UKPNP का हालांकि ऑफिशियल मेंबर तो नहीं हूं, बट मैं अपने आप को उसका एक फैमिली मेंबर कंसिडर करता हूँ। एक और चीज़, जब हिस्ट्री की बात होती है और जब हिस्ट्री को बिना किसी मतलब बिना किसी सब्जेक्टिविटी की देखने की बात होती है, एक और मरज हम में बहुत है, और शायद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में थोड़ा सा ज्यादा है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में थोड़ा सा कम है। वो ये है कि हम मांग तो करते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, और लेकिन हम फिर वहां पर जो महाराजा का रोल है, जिसने हमें ये महाराजा गुलाब सिंह ने जिसने हमें ये दिया बना के, हम इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं कि हमें जिस 75 लाख में बेच दिया गया। हमें एक एक अगर हम कर सकते हैं, एक एक अगर आप कर सकते हैं, हमें एक एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, यही वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम महाराजे के रोल को भी असेस करें, और ये क्योंकि बेसिक हम जो मांग रहे हैं वो उसका दिया हुआ है, और ये बहुत एक मसला है हम में कि हम जो आजाद कश्मीर में ज्यादातर लोग है, पाकिस्तान का नारा भी लगाएंगे, महाराजा को फिर कम्युनल भी कहेंगे। उनको समझने की जरूरत है, जो स्टेट सब्जेक्ट रूल था, जो महाराजा के सारे कानून थे, वो सिर्फ हिंदुओं पे आयद नहीं होते थे, वो स्टेट सब्जेक्ट रूल मुसलमानों के लिए भी उतना ही था जितना हिंदुओं के लिए था, वो सब स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए था। तो महाराजा के रोल को भी, और फिर ये भी हमें मानने की जरूरत है, क्योंकि हम महाराजा के रोल को इसलिए नेगेट करते हैं, खासकर जो प्रोपेगेंडा के शिकार हैं और जो मजहबी फंडामेंटलिज्म थॉट के शिकार हैं, क्योंकि वो हिंदू था और उसने इलाक किया हिंदुस्तान के साथ। ये बात दो टोक मानने की जरूरत हमें पड़ेगी, चाहे उसको पाकिस्तान की इन्वेजन ने मजबूर किया कि नहीं किया, बट वी मस्ट एक्सेप्ट दैट ही वाज द ओनली लीगल अथॉरिटी टू टेक अ डिसीजन ऑन द एक्सेशन, और उसने वो इलाक हिंदुस्तान के साथ किया है। इसको आपको ऑन करना पड़ेगा, हर कश्मीरी को जो जम्मू और कश्मीर की रियासत को मानता है, उसकी बाउंड्रीज को मानता है, उसको उस महाराजा और उसके इलाक को ओन करना पड़ेगा, और इस पे भी एक
कॉन्फ्रेंस हमें करनी चाहिए। थैंक यू जुनेद साहब। मैंने इंट्रो में भी ये कहा था कि जो स्टेट का क्याम अमल में आया 16 मार्च 1846 को, तो वो जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी एरिए से है, मतलब वो गिलगित बल्तिस्तान ले लें, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर ले लें, लद्दाख ले लें, जम्मू ले लें, श्रीनगर ले लें, सारे उसी रियासत को क्लेम करते हैं। ठीक है, गालियां उसको देते हैं, स्टेट सब्जेक्ट रोल भी कहते हैं कि होना चाहिए। ठीक है, जो अव्वल दर्जे का सिटीजन बनाया उसको भी ऑन करते हैं कि ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान वाले तो मोस्टली जो है ना, हमारे दोस्तों को हम समझाते थे कि भाई आप कहें कि हम जो डिस्प्यूट है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का उससे लिंक्ड है, जब डिस्प्यूट का वो कोई डिसीजन हो जाएगा फ्यूचर का कि क्या करना है, उसके बाद अगर आप अलग होना चाहते हो तो बेशक मोस्ट वेलकम, आप अपनी आजादी ले लीजिएगा। लेकिन एक तरफ आप कहते हो कि स्टेट सब्जेक्ट रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है पाकिस्तान, तो किसने दिया आपको अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से? तो ये छोटे छोटे बातें हैं, इनको मतलब उसे अखबार से देखे तो बहुत बड़ी बात है कि जो फाउंडिंग फादर है उसी की आप नेगेशन कर रहे हैं कि जी वो उसका कोई रोल ही नहीं था, या उसने खरीद लिया या बेच लिया, लेकिन दूसरी तरफ उसी रियासत को भी हम क्लेम करते हैं। तो हिस्टोरिकल जो जिसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको मानवगर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो कभी भी कोई उसका आउटपुट नहीं होगा। तो गुलाम हुसैन साहब ने पहले हैंड रेज किया था, तो उसके बाद मिसफर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। गुलाम हुसैन साहब प्लीज। अनम्यूट करें। एक बार फिर नासिर अजीज साहब, आपका, यूकेपीएनबी का, सरदार शोक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर में मैं ये कहूंगा कि सब जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और ये आपकी जो मौजूदा सीरीज हैं इसमें से तीसरी चौथी कॉन्फ्रेंस या गैदरिंग मुझे भी अटेंड करने का मौका मिला है। वो हर एक की, एक तो ये है कि कोई नया इशू हो जाता है, जैसे है कि आज 22 अक्टूबर के हवाले से थी, उससे पहले वो सूबे का सिलसिला हो गया या कोई और, मगर जो यहाँ तजावीज आती हैं, जैसे मुजफ्फर शाह साहब ने फरमाया कि कॉन्फ्रेंस की बात, अगरचे उन्होंने वो फिजिकल कॉन्फ्रेंस का कहा है, जो जुनेद साहब ने कहा कि अगर वो मुमकिन ना भी हो तो हमें ये जो तरीका कार है इसको एक्सपेंड करना, जब नए लोग शामिल करते हैं तब तो ये हो जाता है कि सिरे से फिर उनको भी सेम पेज पे लाना पड़ता है शेयर करके कि हमने क्या डिस्कस किया कहाँ पर। मगर मेरा ख्याल है कि अक्सर जो लोग यहाँ आते हैं कंसेंसस होता है हमारा, तो इस कंसेंसस का फायदा उठाते हुए जो रेकमेंडेशन आती हैं, जैसे आज जुनेद साहब ने कहा कि एजुकेट करने का मामला वो बहुत बड़ा है, इसकी तस्दीक मैंने भी की है पहले। शबीर चौधरी साहब की बात है कि वो उनका जो फ्रेंड ग्रुप है बुलाया, उन्होंने खुद लाइटर नोट एजुकेटेड लोग हैं मगर फिर भी ऐसे डट जाते हैं कि वो फैक्ट से मानने के लिए। जैसे मैंने 8 लाख का जिक्र किया, वो मैंने सुनी सुनाई बात की है, बहरहाल वो चेक किया जा सकता है, बट वी मस्ट एजुकेट पीपल विद द राइट फैक्ट्स। इसके अलावा ये सिलसिला एजुकेशन का, मगर सबसे ज्यादा ये जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है सब खेतों से लोगों को मिलाने की, तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो हालात ठीक होंगे तो फिजिकल कॉन्फ्रेंसिस इस सिलसिले को जारी रखते हुए एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर लें, तो जब हालात ने इजाजत दी, जब हम इस काबिल हो गए कहीं ना कहीं डायस्पोरा की हैसियत से, हम इनको हुकूमतों पर भी कोई प्रेशर डालें कि हमारी मदद करें, तो तब शायद हमें ये मौका मिल जाएगा ये कॉन्फ्रेंसिस वहां भी करने का। तो एक बार फिर आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, और बिलखसूस डॉक्टर शबीर साहब को मैं उनको भी कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उनकी सेहत पिछले दिनों काफी खराब है, मगर इसके बावजूद इज कंटिन्यू विद अ ग्रेट एफर्ट, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। थैंक यू सर। गुलाम हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का, तो हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो वहां से जो डिग्री उठा के आए हुए हैं ना, वहाँ जो एजुकेशन का मियार है, तो वहाँ जो कुछ पढ़ाया जाता है पाक स्टडीज के, ये उनको जिस तरह ये कोविड है ना, वो भी उसी तरह उसी के मारे हुए हैं, उसमें जो फैब्रिकेटेड चीजें उन्होंने पढ़ी हुई हैं। तो एक कल जो है 22 अक्टूबर के हवाले से एक चल रहा थी सोशल मीडिया में, तो उधर रावलाकोट का ही है लेकिन रहता है वेस्टर्न कंट्रीज में, डिग्री उसके पास भी है, टाई सूट भी मिलता है, अच्छी मतलब पर्सनैलिटी है उसकी। तो कहता है जी मैं शुक्रगुजार हूँ उन कबायलियों का कि जिन्होंने उस वक्त आके हमें आज़ादी दिलवाई। तो मैंने कहा यार ये बता दो कि आज़ादी किससे दिलवाई, जिसने तुम्हें दर्जा अव्वल का सिटीजन बनाया,
ठीक है, उन पश्तूनों की जो औलादे हैं वो हमारे साथ उठते बैठते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों से जो ब्लंडर्स हुए हम उस पर माफी मांगते हैं, ऑफिशियली उन्होंने माफी मांगी मंजूर पश्तीन से लेके सब ने। तो आप, मैंने कहा यार इतने बड़े अफलातून, मैंने कहा इतने टाई सूट पहनने के बजाय कोई किताब भी खरीद लिया करो, उसे थोड़ा सा पढ़ लो अगर, कि मतलब जो अपनी रियासत पे हमला करने वालों को आज कहता है जी वेलकम, उसके बाद चुप हो गया, कहता है नहीं जी आप लोग प्रोपोगंडा। मैंने फिर कयूम साहब का, सरदार अब्दुल कयूम साहब जो कहते हैं ना कि खरबूजा वो डायमंड कट डायमंड्स हैं, मैंने उन्हीं का इंटरव्यू वो किया कि जी वो पेशावर में लूट मार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कश्मीर में ज्यादा माल है तो आप वहां पे चले जाओ, वहां पे लूट मार करो, तो वो इसलिए आए थे, वो आपकी कोई मोहब्बत में नहीं, आजादी के लिए नहीं आए थे। और महाराजा अगर इतना ही जाबर था तो कोई 10 लोग तो उसने एग्जीक्यूट किए होंगे। मैंने कहा कोई डिटेल्स दे दो उन 10 लोगों की, तो फिर चलो हम मानते हैं कि जी उसने कोई जबर किया। तो बहरहाल इस तरह के लोगों के साथ वास्ता है गिलान साहब, लेकिन जाहिर है वो बाहर से तो इम्पोर्ट नहीं कर सकते, इसी तरह का लोग जो हैं तो उन्हीं को एजुकेट करना पड़ेगा। तो ये अपने मिसवर साहब ने, जमील साहब, मिसवर साहब ने एड्रेस किया था, फिर मैं आपकी तरफ। मिसवर साहब अनम्यूट करें प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर शबीर चौधरी साहब, जिन्होंने पता नहीं कहाँ से साबित किया है कि जिन्ना को पता था और उसने हमला करवाया। खुर्शीद साहब ने सरदार सिकंदर शौकत हयात खान का इंटरव्यू किया था लंदन में, और उस पूरे इंटरव्यू की जो है पब्लिश हुआ है वो ऑक्सफोर्ड प्रेस ने शाया की है वो किताब, जो खुर्शीद साहब के डायरी नोट्स में से बनी थी जिन्ना के ऊपर। और उसमें उन्होंने लिखा है, उसका सफ़ा नंबर, अब मेरे पास वो बुक अभी नहीं पड़ी हुई है, बताऊँगा वो मैं आपको टेक्स्ट करूँगा, कि जब मैं इंटरव्यू ख़त्म करके, वो कहते हैं कि बाहर छोड़ने के लिए आया मुझे शौकत हयात, तो उसने कहा जिन्ना के बारे में कि ही डिडन नो अबाउट द ट्राइबल इन्वेजन। तो खुर्शीद साहब कहते हैं कि मैंने उसको कहा, दिल में कहा कि जवाब तो नहीं दिया कि जनाब ये बात मेरे इल्म में है कि जिन्ना को पता नहीं था। तो ये वो लोग थे जो उस ऑपरेशन के अंदर मौजूद थे सारे। ये मतलब है कि ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो आके बता रही है कि जनाब ये हुआ, मैंने फलां रेफरेंस से ले के फलां से, इंटरनेट पे आप डालें तो मेजर खुर्शीद अमर को लोग केश खुर्शीद कहते हैं, ठीक है जी। अब उनको किस तरह बताया जाए कि भाई मेजर खुर्शीद अनवर एक मुस्लिम लीग का सलार था और जो बाद में वो कमांडर बन गया और वो भर्ती उसमें लग गया और पैसे बेशुमार उसमें इन्वॉल्व हुए, जो 3 लाख का जिक्र हुआ कि जनाब उसको दिए गए इस कबायली लश्कर के लिए। सो इस तरह की बेशुमार झूठी वारदातें जो हैं वो यानी वो तारीख का हिस्सा बनाई जा रही हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी होनी चाहिए कि जो एविडेंस हम पेश करें उसकी ऑथेंटिसिटी जो है उसको डेफिनेटली कंफर्म करना चाहिए। बस इतनी बात कहनी थी मैंने, बाकी आपका। डॉक्टर साहब बैठे हुए, उन्होंने ज़रा वो उन्होंने ऑथराइज किया फिर तो वो कमेंट्स करेंगे, उन्होंने डेफिनेटली कोई रिसर्च वर्क किया होगा, आप उनसे बुक ले लीजिएगा फिर आप डिस्कस करें। डॉक्टर साहब आप प्लीज अनम्यूट करें। या ओके अच्छा, बस मैं देखें जी भी डॉक्टर मिसफर साहब काबिल एहतराम है मेरे लिए, खुर्शीद साहब भी बहुत काबिल एहतराम थे। अब जरूरी नहीं होता कि हर बात हर जगह बताई जाती है, मसलन शौकत हयात साहब ने जरूरी नहीं कि वहाँ पर जो कहा होगा वो सच होगा। मैंने जो किताब में लिखा वो आप पढ़ें, मैं 3-4 सफ़ों पर मैंने उस पर बहस की है, ठीक है ना जी, तो आप उसको देख लें। अगेन जो अगर पढ़ने के बाद भी अगर आप समझते हैं कि ये नैरेटिव जो मैंने पेश किया नहीं ठीक है, यू हैव योर ओपिनियन, आई हैव माई ओपिनियन, लेकिन यानी मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन एक बात ये भी है ना कि वो जानता है मैं ना मानू वाली बात कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट करती आई है, वो कब पहले मानती थी कि किसी को पता भी है, वो तो इनकार करते आए हैं। तो इन दैट सेंस तो वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी फलां को भी नहीं पता था, फलां को भी नहीं पता था, लेकिन अब सारी डिटेल आ रही है कि फलां फलां जगह मीटिंग हुई, फलां फलां जगह पर मीटिंग हुई, उसमें ये फैसले किए गए। और एक बात ये भी है कि एट वन टाइम पाकिस्तान की एयरफोर्स भी यूज हुई है, जो एयरफोर्स यूज हुई है वो इंडिया के कहने पर तो नहीं आई थी ना, पाकिस्तान के कहने पर गई थी ना। तो मतलब यह कहने का है कि बहुत सी चीज़ें इन्होंने हमसे हाइड की हुई थी। वो जरूरी नहीं कि जो शौकत शाह साहब ने, याद साहब ने कह दिया वो यानी वो सच बताया, उन्होंने वैसे कह दी बात कर सकते हैं टालने के लिए भी। जहाँ कि खुर्शीद साहब का तलक है उनके पास, वो ठीक है बड़े उनके करीब थे, सेक्रेटरी थे उनके, लेकिन अगेन ये बात याद रखें तो बास जो होता है बास होता है, सेक्रेटरी होता है जो सेक्रेटरी होता है। जरूरी नहीं कि बास हर बात जो है अपने सेक्रेटरी को बताएगा। I leave it at that. बाकी you have your opinion on this and I have my opinion and मैं आपसे ये जरूर गुजारिश करूंगा
जब मैं एलिफेस में गया, जब आप मुझे एड्रेस देते मैं आपको पोस्ट कार्ड दूंगा, आप उसको पढ़ें थोरली देखें, अगर उसमें कोई आपको अथॉरिटी नजर आती है, कुछ वैलिड ओपिनियन है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन रिजेक्ट इट, उसमें तो मेरा कोई मसला नहीं है ना। इसी तरीके से जब 22 अक्टूबर का मसला है, मुझे पता है कि जब मैंने इस पर बेसिकली रिसर्च की थी, तो जब हमने कॉन्फ्रेंस की थी ना वाटफोर्ड में, शोभित कश्मीरी साहब वहाँ मौजूद थे, आजकल के जो हमारे नेशनलिस्ट हैं जो बड़े बड़े बढ़ चढ़ कर 22 अक्टूबर की आंख में बात करते हैं, तो ये मारने आए थे हमें, ठीक है, आवास पाठ साहब इसके गवाह हैं, ठीक है, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये फ्रॉड हो रहा है, ये झूठ है। तो अब हर आदमी बड़े फख्र से कहता है कि 22 अक्टूबर को ये हो रहा था, उस पर बातें हो रही हैं, हर जगह पर उस पर कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। सबसे पहले ये इसका वाटफोर्ड में रखा गया था, उससे पहले 2 साल पहले तक देख रहे हैं कोई करते नहीं था। इस तरह से 4 अक्टूबर के इंकलाबी को उनके बारे में हमने बहुत अर्सा किया, इसको भी जब मैंने रिसर्च की पता किया, ये जेक लेफ्ट मैंने इसको बंद मैंने कराया था इसको, तो मतलब ये होता है कि उस वक्त के लोगों ने उस वक्त की इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक फैसला किया होता है। विद न्यू नॉलेज न्यू इन्फॉर्मेशन इंसान की पॉलिसी और तरजीहात बदल जाती है। आई लीव इट एट दैट, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा इस बात। मिस्टर साहब बाकी पार्टिसिपेंट्स भी है ना, तो वो कुछ वो करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब की आप बुक आ जाएगी, आप वो कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में फिर बैठेंगे अगर कोई पॉइंट हुआ तो। जमील मकसूद साहब प्लीज। थैंक यू वेरी मच कमरेड नासर अजी साहब फॉर होल्डिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार ऑन द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ 22nd of October 1947. I would not take much time because it is already 3.5 hours have gone. Since the learned panelist from across the state of Jammu and Kashmir has made their contribution so great, and also some pragmatic suggestions were advanced through this webinar, I would like to endorse all those suggestions which are made, and having said and having regard of those recommendations and those suggestions, I would also like to add few things that the process of national reconciliation between all the regions of the erstwhile state of Jammu and Kashmir should continue virtually through webinar, through internet, through any platform. If the people cannot physically go anywhere due to different compulsions, due to different problems, we have this opportunity to call people from Jammu, from Srinagar, from Ladakh, from Kishtwar, from Gilgit, Baltistan, Hunza, and also from any part of POK, Zafarabad or Ravlakot or Bagh or Mirpur or Kotli. And this kind of virtual conferences could be more inclusive. So the elderly political activists from Jammu, they have made very good examples, very good suggestion that the young people must be involved in this process of national reconciliation. And through these virtual conferences, so that they could learn and they could be aware that what all the young people and all the political activists are thinking about the future status of their state, what is their worldview, what is their regional view, and how they want to end the hostility in the region, it is between India, Pakistan, or China and India, and et cetera, and which is actually hunting the democratic aspirations of the people of the entire state of Jammu and Kashmir. I thank you very much for your for providing this opportunity. Thank you very much. Thank you, Comrade Jameel Maksud Sahib. Sajid Hussain Sahib, you have the floor, please. Thank you, Nasir Aziz Sahib. बहुत अच्छा लगा आज कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स के व्यूज सुन के और देख के, और स्पेशली जो मुख्तलिफ रीजन से हमारे बड़े हैं तो उनको सुन के तो बड़ा अच्छा लगा। मैं ये तो मेरी हमारी अपनी पार्टी की कॉन्फ्रेंस है और प्राउड टू बी मेंबर ऑफ यूके पीएमपी, तो मैं इस थोड़ी सी जो मैंने इसमें कमी फील की है वो ये है कि जम्मू से भी हमारे लोग हैं और श्रीनगर से भी हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी हैं, तो
लद्दाख से हमें अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी जो वेब कॉन्फ्रेंस है वो करें तो उसमें लद्दाख से भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान से भी होना चाहिए, और ताकि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी और लोगों के व्यूज़ आएंगे तो उसमें जो है वो उससे बात जो है वो आगे वे फॉरवर्ड होगा। और दूसरी बात यह है कि जो रियासत की रीयूनिफिकेशन के हवाले से बात है वो हमारा मिनिमम एजेंडा है ही है, लेकिन उससे पहले जो जितने भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अहम है। तो इससे अगर गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग इन्वॉल्व होंगे और लद्दाख से भी लोग इन्वॉल्व होंगे तो उससे ये होगा कि हमारा सारे रीजन से कोरम पूरा हो जाएगा और अपनी अपनी बात रखेंगे सामने। तो अगर हम COVID-19 की वजह से मिल नहीं सकते या कॉन्फ्रेंसिस का इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इस डिजिटल मीडिया के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपस में रियासत की जो रीयूनिफिकेशन की बुनियाद है वो हम जो है वो उसके लिए बुनियाद फराहम कर सकते हैं। तो मेरी ये कुछ सजेशंस थी। तो थैंक यू नासिर साहब। थैंक यू साहिब साहब, बिल्कुल ये सजेशन सबकी तरफ से आई हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था पहले पैनल में, कुछ कम लोग थे, फिर आस्ते आस्ते हम कोशिश कर रहे हैं जितने साथ हमारे लोग साथ जुड़ते जाएंगे जिस रीजन से, तो यकीनन हम उनको मौका देंगे, उनके व्यूज सुनेंगे। तो इसी तरह वे फॉरवर्ड यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड लें, उनके व्यूज सुने कि उनकी क्या अप्रोच है। हम हर बंदे की सजेशन लेंगे और ये जो स्टेटहुड है, जो रियासत है जम्मू एंड कश्मीर, तो उसकी यूनिटी पे तो हमारे सबका कंसेंसस है कि यूनाइट होनी चाहिए। तो उसके बाद लोगों का ये कुछ ये चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने फ्यूचर को डिटरमिन करें कि क्या करना है। तो इस पे तो हमारा कंसेंसस है, तो मेरे ख्याल से किसी को भी वो नहीं है। तो अगर किसी और पार्टिसिपेंट ने कोई अपने पॉइंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, मैं अशोक कुमार शर्मा जी प्लीज सर अनम्यूट कीजिए या ओके नो सर। साहब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज बहुत कमाल का ये वेबिनार हुआ है और इसको हमें आगे ले जाना होगा, और इसमें जिस तरह की भी कंट्रीब्यूशन हमसे चाहें आप, हम वो करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर। डेफिनेटली हम मज़ीद इस तरह के वेबिनार्स भी करेंगे, तो ये हमारे लिए एजाज की बात है, आप लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है। ज़ाहिर है आप एक्सपीरियंस लोग हैं, तो फिर आपको जहमत देंगे। तो इसको कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबका, स्पेशली शुजा मुजफ्फर साहब का जो आज पहली दफा हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत शुक्रिया। आईडी कजूरिया साहब का शुक्रिया कि आपने भी बड़े अच्छे पैराए में सारी चीजों को एलोबरेट किया। अशोक कुमार शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, अब्बास भट्ट साहेब, शौकत अली कश्मीरी साहेब, जुनेद कुरैशी साहेब, गुलाम हुसैन साहेब, मिसफर हसन साहब, जितने भी हमारे पैनलिस्ट थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, डॉक्टर शबीर चौधरी साहब, अपने जमील मकसूद साहेब, साजिद हुसैन साहब जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बाकी जितने भी कंट्रीब्यूटर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने अपना खासा टाइम, 3 घंटे से ज्यादा हो गया हमारा प्रोग्राम। तो फिर हम सबसे कोऑर्डिनेट करेंगे, तो टॉपिक भी कोई मिल बैठ के चुनते हैं नेक्स्ट किस पे वो करना चाहिए, या 2-3 टॉपिक रख लेंगे, आधे पैनल को कहेंगे कि आप इस पे गुफ्तगू करें या सारे उसी पे वो करेंगे। तो आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया इस दुआ के साथ कि आप सेहतमंद रहें, सलामत रहें और खुदा आपको अपनी अमान में रखे। ओके जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू।